Hello everyone, am I audible to everyone? Hello. Am I audible to everyone? Live stream has begun. What about now? Okay, so it seems I'm audible to some people. So let us start with today's lecture. Hello. Hi. ठीक से सुनाई दे रहा है सबको? ओके, गायत्री इज टेलिंग मी दैट आई एम ऑडिबल टू हर. सो ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज के लेक्चर से. ओके, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले लेट अस सी व्हाट ऑल वी सॉ इन आवर लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 19. सो इन आवर लास्ट लेक्चर we saw majority of the government schemes. Yes, so schemes related to human resource and development. Then what are the five essential pillars in the education, some basic facts about the education. We also saw what are the challenges in our Indian education system. Yes, and with reference to that हम लोगों ने draft national education policy जो है वो भी शुरू वो भी देखी थी कि exactly क्या है ये policy. Yes, असर रिपोर्ट, तो असर रिपोर्ट भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है. उसी के अलावा एक और रिपोर्ट पे जहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, दैट इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑफ 2019. ओके, सो राइट टू एजुकेशन के अमेंडमेंट देखे थे, नो डिटेंशन पॉलिसी देखा था, हायर एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल यू नो चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद में और क्या क्या रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट किए हुए हैं, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में भी हमने देखा था. यस, सो दिस वर सम ऑफ द थिंग्स. ठीक है, तो इसके अलावा द एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग हम लोगों ने देखा था, फिर टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड रैंकिंग, प्लस उसके अलावा एक और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग. बिकॉज ये मैंने आपको क्यों बताया था, बिकॉज आज ऐसे हम लोग कोई स्कीम्स देखने वाले हैं जिसमें एक्चुअली आप लोगों को पता चलेगा कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग QS वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और उसके क्या प्रॉब्लम्स. एक सेकेंड,
ओके चलो, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अब सुनाई दे रहा है, तो हम लोग अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू रखते हैं। यस तो इसी के अलावा हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देखा था, प्लस हम लोगों ने नैक के था। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स ओके विच वी सॉ। इसमें हम लोगों ने दो दो तीन चीजें नहीं देखी थी जो कि मैंने आपको लोगों को स्लाइड में दी हुई है, तो हो सके तो आज हम लोग उसको कवर कर लेंगे। यस तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके दो डिपार्टमेंट्स है, कौन कौन से है? वन इज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड सेकेंड इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें से भी ओके डिपार्टमेंट ऑफ हायर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के आप लोग दो सब डिविजन्स देख सकते हो। तो वट आर दीज? दीज आर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन एंड सेकेंड इज विद अडल्ट लिटरेसी। यस तो ये हो गया आपका इसके बारे में। फिर हम लोग जो है वो एजुकेशन को प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे डिवाइड करते हैं, जिसमें से लोअर प्राइमरी जो है वो फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक का, उसके बाद में अपर प्राइमरी आपका सिक्स टू एट स्टैंडर्ड तक का, एंड उसके बाद में आपका उसके बाद में आता है आपका सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, तो नाइन्थ एंड टेंथ एंड इलेवेन एंड ट्वेल्थ। ओके तो ऐसे हम लोग जो है उसको एजुकेशन सिस्टम को अपने डिवाइड करते हैं। यस फाइव पिलर्स हम लोगों ने देखे थे, तो अब तक हम लोग सिर्फ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी की बात करते थे, बट नाउ टू मोर पिलर्स हैव बीन एडेड ओके, एंड दीज आर अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, फैक्ट्स हमने देखे थे कि अपने यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, सो लिटरेसी रेट ऑल इंडिया में अगर आप देखो तो 74% है। यस जिसमें से मेल जो है वो 82 है एंड फीमेल जो है वो 65 है, तो लिटरेसी गैप जो है वो आज भी 17% है, बट इट इज मच लेसर देन द लिटरेसी गैप दैट यूज टू बी इन 2001। पीपल टू टीचर रेशियो, यस वन ऑफ द वर्स्ट आई वुड से पीपल टू रेशियो टीचर रेशियो वी हैव ओके। फिर उसके बाद में अगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इफ वी सी, सो राइट नाउ इट इज 4.6% ऑफ आवर जीडीपी, हाउएवर वी हैव दिस टारगेट दैट एटलीस्ट इट शुड बी 6%। यस बाकी एक और चीज हमने देखी थी जो कि आरएनडी के बारे में है, कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारा सिर्फ 0.7% जो है वो हम लोग आरएनडी पे खर्चा करते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसकी हम लोग अगर बात करें, तो लोग जो है वो ड्रॉप आउट जो है वो कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं, एंड इसके लिए आज हायर एजुकेशन में एक मैक्सिमम अपने पास में 26% तक का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। वही आप लोग देखो कि यूएस में ऑलमोस्ट 86.7% है, बाकी भी कंट्रीज में जो है वो हायर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। यस फिर थोड़ा सा टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, तो ये अभी चलो इंडिया का जो है वो एजुकेशन का 4.6% हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा वो हो गया। बाकी एजुकेशन के चैलेंजेस, इक्विटी वगैरह वगैरह, क्वालिटी वगैरह, ये सब हम लोगों को पता है, एंड इसमें से एक टीचर डेवलपमेंट जो है अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न अलॉन्ग विद द आईसीटी। ओके तो आज हम लोग जो स्कीम भी देखने वाले हैं वो मेजरली उसी के रिलेटेड है। फिर हमने देखा था कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की जो है वो आई हुई है ओके, और ये किसकी अध्यक्षता में आई थी? सो कस्तूरी रंगन, सो कस्तूरी रंगन वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी, एंड ही हैज गिवन रिफॉर्म्स एट मल्टीपल लेवल ओके, फॉर एग्जाम्पल स्कूल से लेके प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके सारे के सारे। बट इसमें से फोर हाइलाइटिंग फैक्टर्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा, कि एक मतलब इन्होंने बोला है कि आरटी जो है वो अभी 3 से 18 तक के एज के लिए कर दिया जाए ओके। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। फिर उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे फोकस करने की बात की हुई है। करिकुलम जो है पेडागॉजी का उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोला हुआ है। उसी के अलावा उन्होंने हायर एजुकेशन को तीन स्ट्रक्चर में रिस्ट्रक्चर करने बोला है, तो टीयर वन में आपका रिसर्च यूनिवर्सिटीज रहे, टीयर टू में आपके टीचिंग यूनिवर्सिटीज रहे ओके, मेजरली इट विल दे विल फोकस ऑन टीचिंग की ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाया जाए। बेसिक बेसिक जिस पे असर रिपोर्ट जो है वो फोकस करता है। फिर
की फाइंडिंग्स थे कुछ असर रिपोर्ट के, जो कि आपको थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए आई वुड से कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मत देखो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना देखो कि इन लोग मेजरली क्या क्या दिख रहे हैं। तो कॉग्निटिव हो गया, बेसिक लैंग्वेज हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, एंड आपके फाइनली सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। ओके, फिर ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में हमने देखा था। सो ये रिपोर्ट जो है वो 2019 की रिपोर्ट मैं एक्चुअली हाईलाइट किया हुआ है कि कैसे यहाँ पे माइग्रेशन वगैरह हो रहा है, और उसके बाद में ये इशू जो है वो आ रहा है। यस, और इसको रिलीज कौन कर रहा है? तो यूनेस्को रिलीज करता है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज रिलीज बाय द यूनेस्को, दैट्स इट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आरटीई के बारे में देखा था। तो आरटीई में अमेंडमेंट हुई थी, अमेंडमेंट क्या किया है? तो सबसे पहले तो आरटीई के बारे में याद रखो कि आरटीई ने कुछ कुछ पीपल टीचर रेशियो हो गया, या फिर आपके अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हो गई, इन सब पे बात जो है वो की हुई है। एंड सेक्शन 12 के अंडर में इन लोगों ने रिजर्वेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, सो उसके अलावा चैलेंजेस वगैरह हम लोगों ने देखे हैं, क्या क्या थे आरटी के? नो डिटेंशन पॉलिसी, यस। तो आप लोगों का इसमें जो सेक्शन 18 वगैरह जो था, तो उसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी लाई गई है। यस, ओके, पीपल आर टेलिंग मी इट इज बफरिंग। इज इट स्टिल बफरिंग? आई मीन आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। चलो फिर ठीक है। तो आरटी में अभी जो अमेंडमेंट वगैरह लाए थे, यस, तो जनवरी 2019 में इसमें जो है अमेंडमेंट लाई हुई थी। ओके, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी कि ये क्या है। तो नो एक्सपल्शन आपका रहेगा, डिटेन जो है आप स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, लेकिन लेकिन स्टेट को वापस से री एग्जामिनेशन जो है वो लेनी पड़ेगी। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। ठीक है, नो डिटेंशन पॉलिसी जो कि सेक्शन 16 में आता है, सॉरी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था एजुकेशन सिस्टम के, अपने हायर एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्या है। तो अगेन वही क्वालिटी का इश्यूज है, लैक ऑफ फंडिंग के इश्यूज है, स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी कम है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो चुका है, लैक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ आईसीटी वगैरह जो है, यही है। तो मैं आप लोगों को क्यों चैलेंजेस बता रहा हूँ, बिकॉज अगर तुमको चैलेंजेस पता रहेंगे तो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि इसके रिगार्ड में फिर अभी कौन कौन से स्कीम जो है वो हम लोग लेके आए हुए हैं। यस, तो हायर एजुकेशन के यही, फिर और भी इन इक्विटस एक्सेस है। आज भी सिर्फ 26% जो है लोग जो है वो उनका वापस हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं। फिर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज है, यस, देर आर मल्टीपल बॉडीज और मल्टीपल एंट्री बैरियर्स वगैरह है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन हो चुका है। तो ये सब प्रॉब्लम है, और इसी के लिए फिर रिफॉर्म्स भी कुछ सजेस्ट किए हुए हैं। ओके, तो अलग अलग कमिटीज ने बहुत सारे रिफॉर्म जो है वो सजेस्ट हमेशा करते रहे। तो नीति 3 ईयर का अगर हम लोग उसका एक्शन एजेंडा देखें, तो इन्होंने क्या बोला था कि मेनली यही सब चीजें करो। फिर क्या करना है कि डेजिग्नेशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, सो देयर शुड बी ओके, इट शुड बी मूव्ड फ्रॉम रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटकम ओरिएंटेड फंडिंग लाइक चाइना एंड सिंगापुर जो है वो हम लोगों ने इंश्योर करना चाहिए अगर अपने को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज जो है वो करनी है। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, बराबर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है वो बनाए। फिर ऑटोनॉमी टू टॉप कॉलेजेस, ओके, तो यूजीसी एक्सेप्टेड 60 कॉलेजेस और ऑफर्ड कॉलेजेस टू कन्वर्ट इन टू यूनिवर्सिटीज टू डेवलप देयर ब्रांडिंग। तो यूजीसी ने दो तीन काम किए हुए कि एक तो ऑटोनॉमी जो है वो कॉलेजेस की बढ़ा दी जिनका बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, और फिर
और फिर ये हम लोगों ने देखा है कि कैसे उनकी ऑटोनॉमी जो है ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे रहे हैं बेसिकली। फिर रिफॉर्म इन रेगुलेटरी सिस्टम, जो कि टीयर वन ऐसे कॉलेजेस बनाओ जो R&D पे फोकस करे, कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉलेजेस बनाओ, एंड लास्टली एक्सेस टू एजुकेशन देने वाले बनाओ। और यही फिर बात जो है नीति आयोग के एक्शन एजेंडा में बोली थी, तो वही इन लोगों ने किया भी है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम लोगों ने देखा था कि कैसे पॉलिसी मेकिंग होता है, रेगुलेशन के लिए कौन कौन है, एक्रेडिएशन के लिए कौन कौन है। एक्रेडिएशन के लिए आपके पास में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल है एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन है। बाकी रेगुलेशन के लिए UGC, उसके अलावा आपके अलग अलग टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जैसे AICT हो गया, MCI हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, तो ये भी जो है वो आपका रेगुलेट करने के लिए काम करे। बाकी पॉलिसी मेकिंग में सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, सब कोई इन्वॉल्व है। बिकॉज लास्ट लेक्चर का याद होगा, यस दीपाली याद है क्या, कि एजुकेशन जो है वो कौन से लिस्ट में आता है? कम ऑन दीपाली, रिप्लाई इन द चैट, ओके, कि कौन से लिस्ट में आता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा है, तो ये इन लोग लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यस, तो बैकग्राउंड क्या है कि वही है कि एजुकेशन जो है, तो UGC जो है उसको अभी इन लोगों ने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, लेकिन UGC में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री पावर्स, ओके, विच आर दोज, सो रेगुलेशन, एंट्री, उसके बाद में एक्रेडिएशन, ग्रांट ऑफ फंड्स, फीस एंड एफर्मेटिव एक्शन। सो ऑलमोस्ट ये तीन चार काम जो है वो उसको करने पड़ रहे हैं, तो ये अपने को हटाना है। तो इसके लिए फिर अभी क्या कर रहे हैं, HECI लेके आ रहे हैं। और रिसेंटली अभी फिर गवर्नमेंट ने किया भी क्या, HECI बिल जो लेके आए हैं, यस, तो उन्होंने फिर क्या किया है कि उन्होंने एक्चुअली जो फंड ट्रांसफर की जो पावर है, तो वो बेसिकली खुद के पास में रख ली है, दैट इज MHRD के पास में रखी हुई है। एंड उसके बाद में जो आपका दूसरा जो फंड ट्रांसफर की पावर दूसरे खुद के पास रखी हुई है, पूछा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही इस पे भी पूछने वाला है, इतना सिर्फ याद रखना, ठीक है? तो बजट में इसको अनाउंस किया हुआ था, तो बजट में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, यस, इस क्वेश्चन के माध्यम से कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं होने वाली, वो कैसे होने वाली है, दिस एग्जाम्स विल बी कंप्यूटर बेस्ड। ओके, वेरी गुड दीपाली, सो दिस एग्जाम्स विल बी कंप्यूटर बेस्ड। और NTA, फिर उसके रिफॉर्म्स, तो कैसे इन लोग जो है कौन कौन सी एग्जाम्स इन लोग जो है वो लेने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट ये सब एग्जाम्स, नीट हो गया, JEE हो गया, नेट हो गया, CMAT हो गया, GPAT हो गया, तो ये सारे के सारे एग्जाम, प्लस इट्स अ ऑटोनॉमस बॉडी एंड सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी। तो इनिशियली इसका फंडिंग जो है वो दिया जाएगा 25 करोड़ रुपए का, एंड बाद में जो है ये ऑटोमेटिकली खुद ही फीस लेगी, एंड फीस लेके बाद में अपना अपना काम जो है वो करते रहने वाली है। यस, तो इसका क्वेश्चन बैंक करना है, R&D करना है, तो ऑलमोस्ट जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉलो करना है, ये सब काम जो है वो NTA जो है वो करते रहने वाला है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस देखा था, और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में मैंने आपको बताया था कि 6 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जिनको एक्चुअली इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस दे दिया गया है। कौन सा है, तो इसमें से कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि रिलायंस, जो कि एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है भी नहीं, तो इवन उसको भी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है वो मिल चुका है, वही बिट्स पिलानी को दिया हुआ है। फिर मणिपाल जो है एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उसको दिया है, IIT बॉम्बे, ISC एंड IIT दिल्ली, तो ये 6 इंस्टीट्यूशन को अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग दिया हुआ है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप लोग ग्लोबली देखो तो ओनली 3 इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर रैंक्ड इनटू द टॉप 200, तो वो अपने को जो थोड़ा सा टैग जो है वो हटाना है। तो इसके लिए गोपाल स्वामी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, उसने बोला कि ऐसा ऐसा आप लोग जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग दे दो और इन लोग अपना अपना काम करेंगे। बाकी फिर हम लोगों ने हायर एजुकेशन रैंकिंग के बारे में देखा था, सो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, दो टाइप की वर्ल्ड रैंकिंग है। उसके अलावा हम लोगों ने भी फिर अपना नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया हुआ है MHRD ने, और एक्चुअली इस फ्रेमवर्क को ही यूज करके, मतलब बहुत सारे स्कीम्स है जिसके लिए कौन कौन सा कॉलेज जो है वो एलिजिबल होगा, कौन सा कॉलेज एलिजिबल नहीं होगा, ये भी आप लोगों को कैसे डिटरमिन होगा, बाद में NIRF के थ्रू ही डिटरमिन होगा। सो
दैट इज अबाउट दिस NIRF. ओके, इसमें से इन लोग मेजरली पांच ये ब्रॉडर पैरामीटर जो है उसको यूज करेंगे. सो टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड प्रोफेशन, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. ओके, तो बाकी 2018-2019 दोनों की भी NIRF की रैंकिंग जो है वो आ चुकी है. फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का आप लोगों को बेनिफिट क्या है? सो ग्रेटर ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस इनेबलिंग द रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, ये सब आप लोगों को फायदा मिलेगा. लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है कि वही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है एंड कुछ इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली थे भी नहीं उनको भी आप लोगों ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग जो है वो दिया हुआ है. फिर हम लोगों ने नैक के बारे में भी देखा था. नैक जो है वो एक्रेडिशन का काम करती है, कोई भी कोर्स वगैरह हो गया, करिकुलर हो गया, टीचिंग एंड लर्निंग इवेल्युएशन, तो उसके बेसिस पे आप लोग जो है मतलब नैक जो है वो अप्रूवल देती है. फिर उसका ग्रेड जो है वो डिटरमिन करती है कि ए ग्रेड है या ए माइनस है, ए है, फिर उसके बाद ए प्लस है, ए है, ए माइनस है, बी है, तो ऐसे अलग अलग ग्रेड जो है वो दिए जाते हैं. अब मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बोली थी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस प्लस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है. इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आपके अलग इंस्टीट्यूशन है. तो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो सीधा का सीधा आप लोगों को बताऊं कि ये जो है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ही होता है. ठीक है, वाइल इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग जो है वो सीधा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD ही सीधा का सीधा आपको वो टैग दे सकता है. और तो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी अभी न्यूज में क्यों चल रहा है? बिकॉज अभी रिसेंटली एक बिल लेके आए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ. ओके, तो एक्चुअली ये 2020 का ही बिल है जिसमें 5 IS2 ITs जो है, तो जो PPP मॉडल पे जो काम कर रहे हैं, तो इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का अवार्ड देना चाहते हैं. बाकी अभी करंटली अगर हम लोग देखें, जस्ट मैंने जो MHRD की साइट देखी तो इसमें आपको मिलेगा कि ऑलमोस्ट 95 इंस्टीट्यूट्स हैज गॉट दिस नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग. ओके, तो सिर्फ इतना याद रखो. बाकी एक और चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, वो है हेफा एंड राइस. तो हेफा एंड राइज जो है तो बेसिकली क्या है, तो राइज एक स्कीम है. ओके, जो कि एक्चुअली 2018 के बजट में इन लोगों ने लॉन्च की थी, जिसमें 4 साल में इनको क्या करना है कि रिवाइटलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज. ठीक है, तो ये इनको क्या करना है, जो हायर एजुकेशन के जो लर्निंग जो कॉलेजेस वगैरह है तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, इनके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट दे आर डूइंग इज, ओके, सो दे हैव लॉन्च द स्कीम कॉल्ड एज राइज. और राइज स्कीम को इम्प्लीमेंट जो है करने के लिए तुमको क्या चाहिए, एक एजेंसी चाहिए ना. तो एजेंसी जो एक्चुअली पैसा आपको देने वाली है, तो उस एजेंसी का नाम क्या है? तो आंसर इज हेफा. ओके, सो दैट इज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी. तो हेफा जो है वो आपको पैसे देगी और राइज जो है इट्स अ स्कीम. ओके, सो आई सपोज यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म. ओके, बाकी आज के हम लोग लेक्चर में उसको और थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखने ही वाले हैं. ओके, एक मस्क फंड इन लोगों ने जनरेट किया हुआ है, दैट इज माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष. ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बीच में मस्क फंड पे इन लोग सेस वगैरह लगा रहे थे इसलिए. ओके, बाकी एक थोड़ा सा पैसिव इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो कि यूनिवर्सिटीज बनती कैसी है. ओके, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है. फिर उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टेट के लेजिस्लेचर से बनती है. एंड इनफैक्ट ये भी चीज़ याद रखो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है अगेन दे आर ऑल्सो सेटअप बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली. ओके, तो उनको एक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज. ओके, तो ऐसे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स स्टेटस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ UGC. ओके, तो ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है ये UGC उनको एक्चुअली स्टेटस देता है एंड हैव ऑटोनॉमी टू सेट देयर ओन सिलेबस, एडमिशन क्राइटेरिया एंड फीस वगैरह वगैरह. ओके, एंड फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये फिगर जो है 91 था बट अभी ये 95 हो चुका है, तो इट इज़ अगेन गिवन थ्रू द स्टेटस ऑफ एक्ट. बाकी कॉलेजेस जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटी को एफिलिएट करके बनाते रहते हो, तो इतना सिर्फ दिमाग में रखो. ओके, फिर अभी एक और चीज़ जो है वो न्यूज़ में चल रही है, वो है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड. सो MHRD रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड टू लिवरेज द टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू बूस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन द कंट्री. बिकॉज देखो हार्ट जो है वो अगर मैं सिर्फ आपको ऐसे इन नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और हार्ट जो है वो मैं आपको अगर
पिक्चर और डायग्राम्स वगैरह दिखा के अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों को जो है ज़्यादा समझ में ऐसे आने वाला है। इसीलिए फिर अभी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ओके, तो प्राइमरीली एट द स्कूल लेवल इन लोग जो है लॉन्च किए हैं। उसके अलावा और भी अलग अलग इनिशिएटिव इन लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं डिजिटल लर्निंग के लिए। तो कौन से है, तो नेशनल मिशन फॉर ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सो NMEICT, एंड उसके बाद में आपके पास में एक दो तीन और इन लोगों ने किए हैं, जैसे स्वयं, तो स्वयं का भी इन लोगों ने स्वयं 2.2 कर दिया है, स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी है। तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी का रोल जो है कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये न्यूज़ में इवेंट चल रहे हैं, इनको बस अच्छे से याद रखो, बाकी ये सब जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। तो अभी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट और आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर पे, सो दैट इज लेक्चर नंबर 20। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आज हम लोग जो है वो क्या ऑलमोस्ट देखने वाले, तो आप लोगों को आइडिया है ही। तो थोड़ा सा हायर एजुकेशन सिस्टम में अभी जब मैं ईयर एंड रिव्यू देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, तो उसमें मुझे बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिली है जो कि एक्चुअली नई लॉन्च की हुई है इन लोगों ने। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, सारे के सारे एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स नहीं कवर करेंगे, बट हायर एजुकेशन के रिलेटेड जो स्कीम 2018, 19 एंड 2019, 20 में जो जो लॉन्च हुए, एटलीस्ट उतना तो अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो एक अभी जैसे ही मैंने कुछ वेबसाइट खोली थी, आई थिंक निष्ठा की वेबसाइट खोली थी, तो उधर ये वाली इमेज जो है वो उन लोग बता रहे थे। तो एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ MHRD। तो मेंस में आप लोगों को मे बी इतने डिटेल में पूछ सकते हैं, या फिर अगर प्रीलिम्स में पूछा तो क्या करेंगे, मल्टीपल आप लोगों को बता देंगे, ये ऑप्शन दे देंगे कि ये ऑनलाइन कोई इनिशिएटिव है क्या। यस, तो फॉर एग्जाम्पल दीक्षा हो गया, तो दीक्षा एग्जैक्टली क्या करता है, या दीक्षा है क्या, ई पाठशाला है तो वो किसका है, फिर स्वयं है, ओके, उसके अलावा आपका नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, स्वयं प्रभा, तो ये DTH चैनल जो है तो उस पे एक्चुअली इन लोगों ने कंटिन्यूअसली आपके 24/7 कुछ क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी, और चार चार घंटे के इस पे स्लॉट्स वगैरह है, ठीक है। अभी रिसेंटली ही इन लोगों ने निष्ठा नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो वो हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। उसके अलावा हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो स्वयं है और स्वयं प्रभा है, ठीक है। तो थोड़ा स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन में डिफरेंसेस दिमाग में अच्छे से रखो। दीक्षा जो है, दीक्षा हो गया, निष्ठा हो गया, ई पाठशाला हो गया, स्वयं हो गया, तो ये सब आपके स्कूल एजुकेशन पे भी है और हायर एजुकेशन पे भी आप लोगों के यहाँ पे कुछ पोर्टल्स वगैरह जो है वो है। ओके, सो इतना थोड़ा सा दिमाग में रखने के बाद में अभी हम लोग सबसे पहली गवर्नमेंट की स्कीम पे आते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। ओके, सो सभी को ध्रुव तारा पता होगा, तो ध्रुव तारा का स्टोरी वगैरह भी पता होगा। तो वैसे ही इन लोगों ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रीचिंग फॉर द स्काई। तो करना क्या है बेसिकली, जितने भी, अब ये थोड़ा सा स्कूल लेवल का स्कीम है, ओके, ये हायर एजुकेशन का नहीं है, ये स्कूल लेवल का स्कीम है। सो टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। तो जो जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ओके, तो ऐसे प्राइमरी नहीं बोलूंगा बट मेजरली जो आप लोगों के स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें जितने भी लोग हैं आपके, तो उन लोगों को बेसिकली उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको एनकरेज करना है कि उन लोग जो है वो अपने स्किल्स एनहांस करें, नॉलेज एनहांस करें, एंड बाद में नेशन बिल्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करें। ओके, सो इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री गिफ्टेड चिल्ड्रन विल बी मेंटर्ड एंड नर्चर्ड बाय रिनोन्ड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरिया सो दैट दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एंड मेजर एम ऑफ दिस स्कीम, एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही, ओके, ये अक्टूबर की न्यूज है, ठीक है, अक्टूबर की न्यूज है जब ध्रुव प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। सो द प्रोग्राम एम्स टू कवर टू एरियाज नेमली साइंस एंड आर्ट्स
बाकी द प्रोग्राम इज ऑल्सो टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द इसरो। और ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट जो है, जो क्लास 9 एंड क्लास 12 जो है, ऑल ओवर द कंट्री, इन लोगों को इसमें कवर किया हुआ है। सो आई सपोज सब लोगों को ध्रुव स्कीम के बारे में पता चल गया होगा। ओके सो एक बार जस्ट मैं इंश्योर कर लेता हूँ दैट एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। सो प्लीज जस्ट रिप्लाई हियर। और अपनी अपनी अटेंडेंस भी दे दो, और अटेंडेंस से आप लोगों को याद आया होगा जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया होगा। यस अमोद, याद है अच्छे से? ठीक है चलो। ध्रुव स्कीम, तो अभी ध्रुव स्कीम जो है वो सबको पता चल गई है कि एग्जैक्टली क्या स्कीम है और कैसे कैसे इसमें है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरी एक स्कीम या दूसरा एक इनिशिएटिव जो शुरू किया है, वो है निष्ठा। ओके तो निष्ठा भी जो है यस, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहो, कंटिन्यूअसली कमेंट करते रहो। ऑलमोस्ट 26 अभी यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो लोग एक साथ है। मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग कमेंट करते रहो, बिकॉज अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आएगा। यस थैंक यू। और ये भी समझेगा कि कौन कौन लेक्चर देख रहा है, तो इट गिव्स यू बूस्ट, मॉरल बूस्ट कि बहुत सारे लोग हैं, सब पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है। तो निष्ठा करके एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। ओके सो ऑलमोस्ट ये क्या है, दिस इज अबाउट द इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, सो दैट समग्र शिक्षा जो अपना एक इनिशिएटिव है दैट कैन बी अचीव। तो समग्र शिक्षा के बारे में किसी को पता है क्या कि ये स्कीम क्यों न्यूज में थी पिछले साल? यस, व्हाट इज समग्र शिक्षा, कब से कब तक होगी समग्र शिक्षा? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओके देखते हैं कितने लोगों को पता है समग्र शिक्षा कब से कब तक, कब से कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड के लिए है। ठीक है, तो वो आप लोग मुझे बताओ समग्र शिक्षा के बारे में। तो निष्ठा, निष्ठा क्या है? निष्ठा जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके कि ये देखो नाम से समझने की कोशिश करो कि निष्ठा किसकी है। निष्ठा है लोगों की कि उन लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो सॉरी निष्ठा है टीचर्स की कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर करें, लोगों को समझाए, उनको एकदम इनेबल करें। वेरी गुड अमोद। तो सबको समझाया, अच्छे से पढ़ाए, उनको सिखाए, यही उनका मेजर एम होता है। ओके तो इसी के लिए अब तुम लोग जो है वो मतलब टीचर्स जो है वो कब एकदम अच्छे से काम कर पाएंगे, जब उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, उन लोग कंटिन्यूअसली कंटेंट जो है वो अलग अलग देख रहे हैं, और अक्रॉस द आई वुड से इंडिया उन लोगों को पता हो कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो इसी के लिए फिर हम लोगों ने निष्ठा जो स्कीम है उसको लॉन्च किया हुआ है। ओके सो 21 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया था। एम इज टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके तो दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एम्स टू बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ ऑलमोस्ट 42 लाख टीचर्स एंड हेड ऑफ द स्कूल्स फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एससीईआरटीज एंड डायट्स, ओके ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स। तो द इनिशिएटिव इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेयर इन स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल आर डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल एंड फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। ओके तो निष्ठा में क्या होगा, तो अगेन इसको याद रखो, निष्ठा इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगेन टीचर्स के लिए है, एंड खास करके कौन से टीचर्स, तो एलिमेंट्री टीचर्स जो है। ओके सो जो आपके एलिमेंट्री टीचर्स जो है, तो इन लोगों के लिए ये निष्ठा प्रोग्राम है। ओके इनिशिएटिव में क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट 42 लाख टीचर्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। ओके सो दैट पूरे ऑल ओवर इंडिया तुम्हारा सेम टू सेम प्रोग्राम जो है वो चलता रहे। यस तो इसमें क्या क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ ऑल हेड्स एंड टीचर एज फर्स्ट लेवल काउंसलर, फिर उसके बाद में प्रोमोटिंग एक्सपेरिमेंटल एंड जॉयफुल लर्निंग, और क्या होगा अवेयरनेस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इनिशिएटिव, और क्या होगा यस तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, और क्या होगा कॉन्वर्जेंस ऑफ मल्टी डिपार्टमेंटल एफर्ट्स एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल। सो ये तीन चार मतलब छह चीजें जो है वो निष्ठा पोर्टल के अंडर होने वाला है। तो इन सिंपल वर्ड्स अपने को क्या याद रखना है, निष्ठा पोर्टल जो है वो टीचर्स के लिए है,
टीचर्स की निष्ठा है, कौन से टीचर्स एलिमेंट्री स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी निष्ठा है कि उन लोगों को अच्छे से काम करना है, तो ऑलमोस्ट ऐसे 42 लाख को टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। ओके, सो ये जो दो स्कीम थे ये आप लोगों के मेजरली आपके प्राइमरी लेवल या हम लोग बोल सकते हैं कि 12वीं के नीचे के स्कीम्स हैं। ओके, बिकॉज ध्रुव जो है वो कौन कौन से क्लासेस के लिए है, सिर्फ 9 to 12 के लिए ही है। ओके, और निष्ठा जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल के लिए है। ठीक है, फिर एक और इन लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो है इक्विप। तो इक्विप की थोड़ी सी अपने को बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे ही नए प्राइम मतलब जैसे ही उन्होंने शपथ ली, तो उन्होंने आते ही सब लोगों को बोला था कि अपना अपना, हर एक मिनिस्ट्री को बोला था अपना अपना 5 ईयर का विजन प्लान बताओ हम लोगों को। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है, तो उसने अपना जो 5 ईयर का जो प्लान बनाया, उसी प्लान का नाम जो है इन लोगों ने रखा है इक्विप। तो इक्विप का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ओके, सो यही इक्विप जो है फिर न्यूज में था। तो इसमें क्या किया, अलग अलग ऑलमोस्ट 10 एक्सपर्ट ग्रुप्स जो है उन लोगों को बुलाया और उन लोगों से मांगा कि क्या क्या अपने को राय जो है वो बनानी है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और हम लोग जो है वो प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली अभी बनाया हुआ है इन लोगों ने प्लान, प्लान किन किन चीजों के लिए, तो स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सपांडिंग द एक्सेस, बिकॉज आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ाना है, एंड बाय एक कुछ ही सालों में आप लोगों को 50% तो भी अचीव करना है। फिर बेस्ट ग्लोबल ग्लोबल प्रैक्टिसेस आपको अफोर्ड मतलब लेके आना है, तो उसके लिए आप लोग कुछ ना कुछ करो। एक्सीलेंस बढ़ाना है, गवर्नेंस रिफॉर्म लाओ, असेसमेंट एक्रेडिशन के सिस्टम्स जो है वो चेंज करो, रिसर्च जो है उसको प्रमोट करो, फिर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप लोगों की अच्छी बनाओ, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करो, एंड मेजरली अगेन इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए इनको पैसा चाहिए। व्हाट डज द निष्ठा हैज टू डू विद एनसीईआरटी? तो एनसीईआरटी जो है इस पोर्टल को मेंटेन करने वाला है, थोड़ा कंटेंट वगैरह जो है प्रोवाइड करने का काम जो है वो एनसीईआरटी करेगा, तो इसके लिए वहां पे एनसीईआरटी भी जो है वो साथ में आता है। ओके, ठीक है अहमद। फिर अब ये आप लोगों का जो प्लान बनाया हुआ है, आप लोगों ने जो इक्विप का जो प्लान बनाया हुआ है, तो ये इक्विप का प्लान फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा आपका हेफा से। आप लोगों को याद होगा हेफा क्या है, तो हेफा जो है तुम्हारा, यस, तुम्हारी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी है, और यही आपका पैसा देने वाली है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हेफा के बारे में। तो एक हेफा जो है, सो व्हाट इज इट, इट्स अ एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, सेक्शन 8 की कंपनी है, एंड एक्चुअली ये जॉइंट वेंचर है दो इंस्टीट्यूशंस का, वो विच आर दिस, तो एक है आपका एचआरडी मिनिस्ट्री प्लस आपका दूसरा है वो है कैनरा बैंक। तो इन लोगों को क्या करना है, 1 लाख करोड़ तक का कॉर्पस जो है वो मोबिलाइज करना है। कैसे करेंगे उन लोग? तो मोबिलाइज करने के लिए इन लोग जो है वो अगेन फंड जो है वो या तो बॉन्ड्स के माध्यम से या फिर अगेन शेयर के माध्यम से प्लस सीएसआर के भी कुछ फंड जो है उसको मोबिलाइज करेंगे। ओके, तो ऐसे करके इनको हेफा को मतलब हेफा इट विच इज एन एनबीएफसी, तो इसमें इन लोगों को पैसा जो है वो 1 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट लेके आना है, और ये 1 लाख करोड़ जो है बाद में डिसबर्स भी करना है। तो डिसबर्स किसको करोगे? ओके, तो डिसबर्स जो है वो तुमको करना है अगेन कुछ स्कूल्स को, मतलब दिस स्कीम हैज बीन एक्सपांडेड टू कवर स्कूल एजुकेशन। तो पहले सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए ही था, ओके, पहले सिर्फ हायर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल लर्निंग के लिए ही था, लेकिन अभी उसको कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओके, प्लस स्कूल एजुकेशन के लिए भी जो है इसको एक्सपांड कर दिया। मेजर एम जो है हेफा का यही है कि डेवलपिंग इंडियाज टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज, आई स्क्वायर आईटीज, एनआईआईटीज, आईआईएससीज। ओके, तो इन सबको जो है वो आप लोगों को एकदम टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस में, मतलब यहाँ पे आपके एकेडमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है, और इसके लिए आपको चाहिए पैसा। तो पैसा जो है वो देंगे नहीं, तो देंगे कौन? अभी आपको हेफा जो है वो पैसा देगी। ओके, सो वी आर मतलब दिस दिस इंस्टीट्यूशन इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन फाइनेंसिंग द बिल्डिंग ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर बाय इनेबलिंग द इंस्टीट्यूशन टू रीच द टॉप रैंकिंग ग्लोबली। तो देखो मैंने आपको बताया ना कि प्रॉब्लम अपनी क्या है, कि हम लोग जो है
वो टॉप ग्लोबल रैंकिंग में आ नहीं रहे। तो इसके लिए फिर तुमने क्या किया, एक मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग लगा दिया, और दूसरा भी क्या किया हुआ है, यस ये आप लोगों ने हेफा जो है उसको बनाया हुआ है। तो हेफा आपका फिर इनको पैसा जो है वो लोन देगा, और फाइनली इन लोग जो है वो एकदम अचीव कर सकते हैं। बट ये स्कीम जो है वो कहाँ से आई थी, मतलब एक स्कीम थी दैट वाज दिस राइस स्कीम। तो राइस जो है वो क्या करना चाहते था कि अगेन 4 सालों में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइटलाइजेशन इनको करना है। तो इसी के लिए फिर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का इन लोगों को फंड जो है वो 4 साल में देने का है। तो ये राइस स्कीम था और ये हेफा है। तो आई सपोज सबको हेफा के बारे में समझ गया होगा कि हेफा क्या है। हेफा इज अ एनबीएफसी, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस होगा जो कि इन लोग टॉप यूनिवर्सिटीज टॉप स्कूल्स को एक्चुअली प्रोवाइड करेंगे, सो दैट ग्लोबल जो रैंकिंग है आपके इंस्टीट्यूशंस के उसमें हम लोग जो है ऊपर आ सके। ठीक है, फिर इक्विप का ही ये थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको क्या क्या अचीव करना है। सो डबल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो अभी ऑलमोस्ट 26%। तो अभी तक हमने देखा है ध्रुव, यस, उसके बाद में निष्ठा, उसके बाद में इक्विप, एंड अभी हम लोग आते हैं स्वयं 2.0। तो स्वयं पोर्टल आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये एग्जैक्टली क्या है, बट मेरा ऐसा मानना है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह जो है वो काफी प्रमोट किया जा रहा है। दीपाली बीच में कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा चले गया था, तो इसके लिए आई सपोज अभी वापस ऑनलाइन आ गया होगा। यस, रिफ्रेश इट, थोड़ा सा बफर वगैरह हो जाए, जस्ट रिफ्रेश कर लो, उतना ही, बाकी कुछ नहीं। अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो अभी हो जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड। मेजर एम जो है स्वयं पोर्टल का, दैट इज ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। तो मेजरली अपने को स्वयं पोर्टल जो है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्वयं पोर्टल में क्या है, तो स्वयं पोर्टल इज डेवलप्ड बाय MHRD, IIT मद्रास, NPTEL, NPTEL हो गया आपका, या अगेन ऐसे ही फिर 2000 कोर्सेज जो है वो डेवलप किए हुए हैं, जो 80,000 घंटे के कोर्सेज जो है वो रहेंगे। एंड ये कोर्सेज जो है वो आपको अंडर ग्रेड लेवल पे, पोस्ट ग्रेड लेवल पे, इंजीनियरिंग, लॉ, सारे के सारे लेवल पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये स्वयं पोर्टल काफी अच्छे से चल रहा है। फिर उसी के अलावा कोर्सेज जो है वो 9th क्लास टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसमें सिर्फ याद रखो कि 9th क्लास से लेके आपका PG तक के ही कोर्सेज जो है वो स्वयं पोर्टल पे अवेलेबल रहने वाले हैं, और 9th के नीचे के आपको नहीं मिलने वाले। इस चीज को अच्छे से समझ के लो। फिर इन लोग जो है तीन, ठीक है, चलो वापस हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। सो कैटेगरीज ऑफ द कोर्सेज जो है उसमें क्या है, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जो है वो आने वाली है। कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री। तो ये तीन पॉइंट जो है ना उसको अच्छे से पढ़ के रखो। मैं बोलूंगा आप लोगों को कि ये तीन पॉइंट पे ही अगर क्वेश्चन बनाना या आपको फंसाया तो इसी पे फंसाएंगे। सो सबसे पहले तो कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द लर्नर्स। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स वांटिंग सर्टिफिकेशन नीड टू रजिस्टर एंड शैल बी ऑफर्ड सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स विद लिटिल फी। तो इवन आप लोगों को भी मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपको कि कोई कोर्स वगैरह आप लोग करना चाहते हो, और अगर आप लोग वो स्वयं पे करते हो तो उसके आपको एक्चुअली क्रेडिट जो है वो मिलते हैं। एंड अगर आप कोई PG-VG कर रहे हो, ठीक है, इनफैक्ट पुणे यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा किया हुआ है कि अगर समझो आपने कोई कोर्स जो है वो स्वयं पे से किया हुआ है और उस पे अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेशन वगैरह अचीव कर लिया है तो पुणे यूनिवर्सिटी जो है उसके क्रेडिट जो है वो आपको देती है। तो बेसिकली ये ही UGC ने अभी बोला भी है कि UGC ने अपने क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है उसमें यही बात की है कि एट द एंड ऑफ ईच कोर्स देर विल बी एन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स ग्रेडेड और मार्क्स और ग्रेड सिक्योर्ड इन दिस एग्जाम कुड बी ट्रांसफर टू द एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट। और ये UGC ने बोला हुआ है, एंड UGC हैज ऑलरेडी इशूड UGC फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग थ्रू
स्वयं रेगुलेशन 2016 एडवाइजिंग यूनिवर्सिटीज टू आइडेंटिफाई कोर्सेस वेयर क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द डन ऑन द स्वयं पोर्टल। ओके, तो इसको अच्छे से समझ के लो। आई थिंक अभी मैं लाइव रहूंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी दिख रही है। कम ऑन, अगर ठीक से वापस लाइव आ गया हूं तो जस्ट एक बार रिप्लाई कर दो यस करके। 18 लोग हैं, तो दैट इज अबाउट स्वयं। ओके, एंड जैसा कि मैंने बोला, तो स्वयं में अपने को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो यही है कि तीन चीजें, ठीक है, जिस पे अगर क्वेश्चन पूछा तो इसी पे पूछेंगे, क्या है ये तीन चीजें। तो कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में स्टूडेंट को सर्टिफिकेशन अगर चाहिए तो स्टूडेंट को सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। एंड लास्टली एट द एंड ऑफ ईच कोर्स, ओके, आपके अगर कोई क्रेडिट आपने अर्न किए हुए हैं तो ये क्रेडिट जो है आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके मिलेंगे भी। तो ये तीन चीजों पे अच्छे से फोकस करो। बाकी कोई पूछे कि व्हाट इज द मेजर एम, तो मेजर एम इज टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। ओके, ठीक है। उसके बाद में एक और अभी रिसेंटली स्कीम जो है हायर एजुकेशन में लॉन्च की थी जुलाई 2019 में, एंड दिस स्कीम इज परामर्श। ओके, तो परामर्श क्या है? तो परामर्श जो है वो बेसिकली इसमें होने क्या वाला है कि नैक एक्रेडिशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूशन जो है तो उनको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कुछ लोग जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रमोट करेंगे। तो परामर्श, परामर्श मतलब क्या? सिंपली हिंदी में परामर्श हम लोग कब बात करते हैं कि तुमको कुछ चीज जो है वो अचीव करनी है, और वो अचीव के लिए तुमको किसी से बात करते हो जो जिसको तुम जानते हो कि भाई हाँ इसको ज्यादा अच्छा पता है। फॉर एग्जाम्पल अभी वही कि मिशन 140+ जो हम लोग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है प्रीलिम्स में 140 स्कोर वगैरह जो है वो लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग ऑब्वियसली मेरे से परामर्श कर रहे हो, तो मैं जो है फिर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही होने क्या वाला है कि हब एंड स्पोक मॉडल में जिन जिन इंस्टीट्यूशन को नैक कमिटी ने, ओके, ऑलमोस्ट ऐसे ए ग्रेडिंग वगैरह जिनको दी हुई है, तो ये आपके बन जाएंगे हब मॉडल। ओके, एंड इसके आजू बाजू के कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे ना, तो इन लोगों से बेसिकली इन लोग जो है वो एडवाइस लेने वाले हैं कि हमको थोड़ा सा परामर्श दे दो, हमको बताओ कि हम लोग भी कैसे जो है वो नैक में अपनी रेटिंग्स जो है वो अच्छी बना सके, एंड हमारे यहाँ पे भी हम लोग जो है वो क्वालिटी जो है वो एनहांस कर सके। ओके, सो दैट इज द मेजर मेजर एम ऑफ दिस परामर्श। ओके, सो व्हाट इज परामर्श? तो परामर्श इज व्हाट? इट इज ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव इज मेंटरिंग नैक एक्रेडिशन एस्पिरेंट्स, ओके, इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन द हायर एजुकेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? द स्कीम विल बी ऑपरेशनलाइज थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल वेयर इन द मेंटर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हब इज सेंट्रलाइज्ड एंड विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द मेंटी इंस्टीट्यूशन थ्रू सेकेंडरी ब्रांचेस, दैट इज द स्पोक, दैट इज थ्रू द सर्विस प्रोवाइडेड टू मेंटी फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दिस विल अलाउ सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द ऑपरेशनल एफिशियंसी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड अटेन द ओवरऑल डेवलपमेंट। टारगेट क्या है इसमें? टारगेट है द स्कीम विल बेसिकली टारगेट कि 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, HEI जो है, तो उनका मेंटरिंग करना है एंड फिर उनका क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करवा के देना है। तो दैट इज द मेजर एम ऑफ दिस स्कीम। ओके, ठीक है। आई सपोज अभी तक के जो जो चीजें सिखाई है सबको समझ में आ गई है। यस, तो परामर्श समझ गया। अब इसी परामर्श के रिलेटेड ही एक और चीज जो है वो है दीक्षारंभ। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने सिर्फ वही काम किया है कि संस्कृत और थोड़े से हिंदी वर्ड जो है उन्हीं को लेके आए हैं। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दीक्षारंभ, या फिर इसका मतलब ब्रेकेज क्या होगा? संधि विच्छेद अगर हम लोग इसका करने जाएं तो क्या इसका संधि विच्छेद होगा? कोई बता सकता है? कम ऑन, चैट पे बताओ फटाफट,
और थोड़ा सा अगर तुक्का ही मारना है तो वो भी बता सको कि भाई दीक्षारंभ से क्या हो सकता है तुक्का मार के, एज इन क्या होगा इस स्कीम में, तब तक मैं चॉकलेट खाता हूँ। कम ऑन रिप्लाई फास्ट, ये से कौन बनेगा करोड़पति टाइप चल रहा है कि कौन फटाफट रिप्लाई करेगा। दीक्षारंभ नाम से क्या समझ में आता है आपको? सिग्नल तो अच्छा है, क्यों पॉज हो रहा है? आई थिंक आई एम लाइव। और तुझे एक बार वापस लिंक पे क्लिक करो, रिफ्रेश करते रहो। जीत रिफ्रेश करो। एम आई ऑडिबल? स्ट्रीमिंग स्टॉप, यहां तो चल रहा है, अच्छा स्ट्रीम दिखा रहा है। नो ऑडियो नो वीडियो, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट? अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछा था दीक्षारंभ के बारे में, सो संधि विच्छेद क्या होगा? आई मीन व्हाट विल दीक्षारंभ मीन एंड व्हाट विल दिस स्कीम डू? हाँ, गुड, बट नो वन इज आंसरिंग माय क्वेश्चन, व्हाट कैन दीक्षारंभ मीन? अरे बच्चों, स्टार्ट तो कब का हो गया है? तुम लोग बताओ दीक्षारंभ का क्या मीनिंग है? क्या पता आप कब रिप्लाई करेंगे। एनीवेज मैं ही आता हूँ। तो सिंपली जब जब कोई पहले के जमाने में जब एजुकेशन वगैरह स्टार्ट करने कोई जाता था तो उसको दीक्षा देते थे उसके गुरु कि भाई ये ऐसे करना है, बट उसके पहले जस्ट वो आरंभ जब होता है तो उसका हाँ एग्जैक्टली तो आरंभ होते टाइम में फिर कुछ गाइडलाइंस, कुछ इश्यू, मतलब कुछ बातें वगैरह बताना, तो वही जो है वो दीक्षारंभ में भी होगा। तो ये क्या हुआ है, यूजीसी ने कुछ अपने गाइडलाइंस जो है वो जारी किए हुए हैं, ओके, फॉर सोशलाइजिंग, एसोसिएटिंग, गवर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? स्टूडेंट, टीचर एंड आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, सो एवरीवन वुड बी पार्टिसिपेटिंग। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, ओके, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, ओके। तो
वही दीक्षारंभ है। तो दीक्षारंभ इज अ गाइड टू स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम एंड इट इज टू हेल्प न्यू स्टूडेंट्स एडजस्ट एंड फील कंफर्टेबल इन न्यू एनवायरनमेंट, इनकलकेट देम इथोस एंड कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेल्प देम बिल्ड द बॉन्ड्स विद द अदर स्टूडेंट्स। ओके, सो फॉर दैट पर्पज दिस यूजीसी हैज इशूड सर्टेन गाइडलाइंस। सो दैट इज अबाउट द दीक्षारंभ। ओके, तो आई सपोज अभी तक मैंने जो जो आप लोगों को बताया है तो ये सब समझ में आ गए होंगे। चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज कौन कौन से स्कीम जो है वो कवर किए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल देखे जो कि स्कूल एंड हायर एजुकेशन के अलग अलग। तो दीक्षा अलग पोर्टल है, दीक्षारंभ अलग चीज़ है, ई पाठशाला अलग चीज़ है जो एनसीईआरटी इंप्लीमेंट करने वाली है। अगेन निष्ठा जो है उसको भी एनसीईआरटी जो है वो उसमें हेल्पिंग अथॉरिटी रहने वाली है। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल है, स्वयं पोर्टल है जो कि 9 to 12 यहाँ तक के क्लासेस और उसके बाद में आपके यहाँ के पीजी की क्लासेस, तो ऐसे डिवाइडेड है। एंड स्वयं प्रभा अगेन इसमें भी आपका डीटीएच चैनल जो है वो अलग से है। ध्रुव देखा हम लोगों ने, यस। निष्ठा देखा हम लोगों ने, इक्विप देखा हम लोगों ने, हेफा के बारे में देखा, राइज के बारे में देखा, स्वयं के बारे में देखा हमने, परामर्श देखा हमने, दीक्षारंभ देखा। एंड अब हम लोग आते हैं कुछ पिछले साल मतलब ऑलमोस्ट 2018-19 में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। ओके, हायर एजुकेशन के लिए तो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल इनोवेशन जो है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन कैसा रैंक कर रहा है इनोवेशन में, तो इसके लिए जो है अरिया। ओके, तो अरिया नाम का इन लोगों ने प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था। फिर रिसर्च के लिए इन लोगों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च बढ़ाना है तो पीएमआरएफ, स्पार्क, स्टार्स, तो ऐसे तीन जो है वो रिसर्च के प्रोग्राम जो है लॉन्च किए थे। इसके अलावा थोड़ा सा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब ऑटोमेटिकली कौन आने वाले हैं, आपके टीचर्स आने वाले हैं, तो टीचर्स के लिए फिर इन लोग जो है वो जो प्रोग्राम लेके आए हैं उसका नाम है लीप एंड अर्पित। ओके, तो टोटल अगर हम लोग अभी देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो कितने प्रोग्राम्स आए हुए हैं। सो यू विल फाइंड कि आपके पास में अरिया विच इज फॉर इनोवेशन, देन लीप एंड अर्पित, तो दो ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो ये हमेशा टीचर से रिलेटेड रहने वाले हैं। और रिसर्च बढ़ाने के लिए, ओके, तो रिसर्च बढ़ाने के लिए फिर आप लोग लेके आए हो तीन अलग अलग इनिशिएटिव, पीएमआरएफ, स्पार्क एंड स्टार्स। ओके, तो सिंस अभी अभी लॉन्च हुए हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो है ये सारे के सारे जो है वो आप लोगों के लिए जनरेट कर सकते हैं, कंफ्यूजन जो है आप लोगों में जनरेट कर सकता है वो। तो एक एक देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। तो रिसर्च में क्या है, सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। तो 7 साल के लिए ये स्कीम जो है वो रहने वाली है। तो बेसिकली ये चाहती क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कंट्री में खास करके पीएचडी प्रोग्राम जो है वो ले एंड उनके पीएचडी प्रोग्राम में भी कुछ अच्छा सा रिसर्च करके बताए। एंड इसमें ओके, गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट इनको अच्छा खासा स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो देने वाला है। तो लगभग 70,000 का इनको पैसा मिलेगा, प्लस इनको कुछ पैसा जो है वो इवन डेवलपमेंट के लिए। तो लगभग अगर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो उसमें अगर आपको 5 लाख तक रुपए चाहिए आए सपोज, तो तब तक आपको मिलने वाले। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सो इट इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग द टैलेंटेड पूल ऑफ कंट्री टू डॉक्टोरल प्रोग्राम्स ऑफ आईआईएससी, IITs, ओके, आई एंड सोशल एजुकेशन एंड रिसर्च का हो गया, फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च इन कटिंग एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन विथ फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटीज। ओके, स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड इन लास्ट 5 ईयर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ बीटेक या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक और एमएससी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, जो भी है आईएससी, आईआईटी, एनआईटी या इन सब कॉलेजेस से, जिनका सीजीपीए 8.0 के ऊपर रहेगा, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है। और इनको बेनिफिट क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी ऑफर्ड एडमिशन थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस टू पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईटीज, आईआईएससी, दे विल बी ऑफर्ड फेलोशिप ऑफ 70,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर एंड 75,000 ओके फॉर थर्ड ईयर एंड 80,000, 80,000 फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में। ओके, फिर रिसर्च का ग्रांट भी मिलने वाला है इन लोगों को ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का, ओके, टू ईच फेलोज फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स
टू कवर देयर फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। सो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो PMRF जो स्कीम जो है वो लेके आई हुई है। नेक्स्ट जो है अगेन स्पार्क जो है, तो स्पार्क भी अगेन रिसर्च रिलेटेड ही स्कीम है। तो रिसर्च में करना क्या है अभी, ओके, सो टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ओके, बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड द वर्ल्ड। तो PMRF में क्या होगा, आपके जो IITs, NITs या IISc के ही जो कुछ स्टूडेंट है, ओके, उन्हीं लोगों को तुम PhD करने के लिए प्रमोट कर रहे हो, प्लस उनको पैसा दे रहे हो एक्स्ट्रा। लेकिन लेकिन स्पार्क में क्या होने वाला है, तो स्पार्क में आपके कुछ खुद इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ जो है वो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन से। तो आपको जो करना है वो है इन दोनों का भी कोलैबोरेशन, ओके। तो ये आपका स्पार्क होगा, बिकॉज ये जो वर्ल्ड के कुछ अच्छे टॉप रैंकिंग है, तो इसके लिए आपका, मैंने आपको बताया कि QS रैंकिंग जो है, QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसको यूज किया जाएगा। और वो QS रैंकिंग के हिसाब से जो भी टॉप 30 इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ में आप लोग जो है वो टाइप करो और उनसे सीखो, और यहाँ पे भी रिसर्च का स्पार्क जो है वो जनरेट करो। तो सिंपली कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है, अभी तो IIT खड़गपुर है। 6 थ्रस्ट एरियाज है, फंडामेंटल रिसर्च है, इमर्जेंट एरियाज ऑफ इम्पैक्ट है, कन्वर्जेंस, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, ह्यूमैनिटीज वगैरह सब कुछ है। लेकिन इसमें होने क्या वाला है, द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ओके, विल बी फ्रॉम द टॉप 500 ओवरऑल, टॉप 200 सब्जेक्ट वाइज इंस्टीट्यूशन लिस्टेड इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग, ओके, फ्रॉम 28 सिलेक्टेड नेशंस। तो 28 देशों में से एटलीस्ट टॉप 500 में जो लोग QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो जो लोग आ रहे हैं उन्हीं के साथ में हम लोग जो है वो टाइप करेंगे। और उसके अलावा इंडिया में भी क्या होगा कि जो NIRF जो है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके, तो इवन इंडियन इंस्टीट्यूशंस विल इंक्लूड, ओके, दोज फ्रॉम द टॉप 100 और कैटेगरी वाइज टॉप 100 इन द NIRF, ओके। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि होने क्या वाला है आपका, कि जो इंडिया में NIRF में टॉप 100 में रैंकिंग लेके आ रहे हैं उन लोग वर्ल्ड के, ओके, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के साथ में अपना टाइप जो है वो कर सकते हैं, और ऐसे रिसर्च में कोलैबोरेट वगैरह करके। यहाँ पे भी हम लोग जो है 6 एरियाज, ओके, तो इनिशियली 5 एरियाज ही हुआ करते थे, अभी इन लोगों ने एक 6th एरिया नया ऐड कर दिया है। तो ऐसे 6 एरियाज में जो है हम लोग जो है वो साथ में रिसर्च में कोलैबोरेट करने वाले हैं। आई सपोज सबको स्पार्क के बारे में समझ में आया, अगर सबको स्पार्क स्कीम अच्छे से समझ में आ गई है, सबको PMRF अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो यस करके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं स्टार स्कीम पे। तो अगेन दिस इज अ रिसर्च स्कीम ओनली। तो इसमें क्या होगा, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन द साइंस। तो इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस बाय अलाउइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द हिंटरलैंड। नो प्रियंका, प्रियंका पानसरे हैज आस्क्ड वेदर दे आर इंटर रिलेटेड, आंसर इज नो। PMRF अलग है पूरा का पूरा, ठीक है। PMRF रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, कौन से, जिनका ये सब जो लोग है जो IITs, NIITs या IISc वगैरह से आ रहे हैं। लेकिन लेकिन ओके, JRF तो सबके लिए होता है, तो इसके लिए दे आर नॉट रिलेटेड। सो स्टार, ओके, सो स्टार में क्या होगा, हिंटरलैंड टू कोलैबोरेट एंड इस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर इन साइंस कोऑर्डिनेटेड बाय द IISc। ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट सोशली रेलिवेंट रिसर्च सच एज 6 बेसिक थ्रस्ट एरिया सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोलॉजिकल साइंसेस, नैनो साइंसेस, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड अर्थ साइंस। तो ये सब में जो है इन लोग जो है वो ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च प्रमोट करना चाहते हैं, तो यही बस इसका मेजर एम जो है वो है, ओके। तो इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस बाय अलाउइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द हिंटरलैंड टू कोलेबरेट विद इस्टेब्लिश्ड रिसर्च सेंटर्स इन द साइंस। तो तुम्हारे कुछ अच्छे इस्टेब्लिश्ड लोगों के साथ में ही आपको रिसर्च बनाना है, तो उसके लिए स्टार। तो ये इंडिया टू इंडिया आपका रिसर्च कोलैबोरेशन होगा, स्पार्क में इंडिया एंड वर्ल्ड का कोलैबोरेशन होने वाला है, ओके। सो ये इन सब में मेजर स्कीम, मतलब मेजर डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था दो और नई चीजें थी, तो क्या थे, एक था अरिया एंड दूसरा था आपका इम्प्रेस, ओके।
तो अरिया स्कीम क्या करेगी? तो अरिया जो है, इट इज टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन हायर एजुकेशन। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन का कल्चर जो है वो आपको करना है। इसका फुल फॉर्म भी क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है अपने पास में, NIRF है, सिमिलरली अपने पास में अरिया है। और अरिया में आपका क्या होने वाला है? तो बेसिकली रिसर्च और इनोवेशन में आपका कैसा रैंकिंग है वो सबका डिटरमिन किया जाएगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ रैंकिंग एक्सरसाइज, आई वुड से। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ रैंकिंग एक्सरसाइज। फिर एक इम्प्रेस है, तो इम्प्रेस बेसिकली सोशल साइंसेस में, बिकॉज अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग जो भी देख रहे थे वो मेजरली हम लोग साइंस के फील्ड में रिसर्च ज्यादा ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी वही इन लोग चाहते कि कुछ जो है वो रिसर्च जो है वो सोशल साइंस के फील्ड में भी हो, जैसे कि मीडिया हुआ, कल्चर हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, सोसाइटी हुआ। तो इसके लिए फिर अभी ऐसे कुछ 11 ब्रॉड एरियाज में रिसर्च प्रमोट करने के लिए ऑल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सब लोग जो है चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके लिए ये इम्प्रेस स्कीम लेके आए, दिस इज इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल साइंसेस इन एनी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, इंक्लूडिंग ऑल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इन सब में इन लोग जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है ICSR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, एंड लास्टली अभी दो और स्कीम अभी तक अपनी बची हुई है। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये डायग्राम जो है इसको थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई करना चाहिए था, कि ये हो गया आपका मेजरली सारी की सारी जो है वो साइंस रिलेटेड, प्लस इनके कोई ना कोई क्राइटेरियाज है। ओके, फिर अपने पास में एक और स्कीम आई है, वो है इम्प्रेस। ओके, इम्प्रेस जो है वो सिर्फ सोशल साइंसेस के लिए, अरिया इनोवेशन का रैंकिंग फ्रेमवर्क है। अब दो और चीजें आई है जो कि अब ऑब्वियसली किससे होंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब टीचर से रिलेटेड होंगे। तो इसके लिए है आपका लीप, एंड लीप का फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम। ओके, तो लीप में जो है, तो लीप में क्या होने वाला है? तो बेसिकली टिस, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कुछ सोशल, टिस जो है। ओके, तो टिस प्लस MHRD जो है इसको मिलके इसको इंप्लीमेंट करने वाले। तो करना क्या है? करना बेसिकली तुम्हारे जो भी जो एकेडमिक हेड जो है सेकेंड टीयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उन हेड्स को आप लोगों को सही लीडरशिप वगैरह जो है वो उन लोग सही लीडरशिप रोल जो है उन लोग एज्यूम कर सके, तो इसके लिए ये स्कीम लाई हुई है। तो सिंपली ये देखो, आप लोग समझ सकते हो कि ये जो है ये टिस है। तो टिस क्या करने वाला है कि अगेन कोई तो एक आधा बंदा है जो सेकेंड टीयर या सेकेंड आई वुड से कि मतलब इनका रैंकिंग अच्छा नहीं है, बट इनका हम लोग चाहते हैं कि डेवलप करें, मतलब इन लोग जो है लीडरशिप स्किल जो है इनमें डेवलप हो, तो ऐसे हेड्स के लिए है सिर्फ। तो ये किन के लिए है? सिर्फ हेड लोगों के लिए ही है, ना कि सारे के सारे टीचर्स वगैरह के लिए। ओके, सो इट इज नॉट फॉर देम, ओनली फॉर द हेड। तो जैसे प्रिंसिपल हम लोग बोल सकते हैं, तो उनके लिए कि सेकेंड ईयर कॉलेज के जो प्रिंसिपल वगैरह रहेंगे, इन लोगों को बेसिकली बनाना है कि तुम लोग सही एक लीडरशिप रोल जो है वो एज्यूम कर सको। तो यस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू प्रिपेयर द सेकेंड ईयर एकेडमिक हेड्स हु आर पोटेंशियली लाइकली टू एज्यूम लीडरशिप रोल इन द फ्यूचर। तो इसमें 3 वीक का आपका प्रोग्राम होगा, जिसमें से 2 वीक जो है वो डोमेस्टिक आपका चलेगा और 1 वीक जो है वो आपकी फॉरेन ट्रेनिंग होने वाली है। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो अगेन जो 15 आपके NIRF में जो टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस है वो इसमें गाइड करने वाले हैं। ओके, एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो आप लोगों के अगेन टॉप 100 जो वर्ल्ड के ग्लोबल रैंकिंग में आएंगे उनके साथ में करेंगे। सो दैट इज अबाउट द लीप। एंड द लास्ट हायर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, दैट इज अर्पित। ओके, तो अर्पित क्या है? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, तो रिफ्रेशर कोर्स ऑफ करियर एडवांसमेंट। तो बेसिकली इसमें वही है कि अगेन टीचर का जो है वो अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इसके लिए, तो टीचर ट्रेनिंग के लिए कितनी सारी चीजें तो खोल के रखी है, दीक्षा पोर्टल है, फिर अभी निष्ठा बना दिया है, अर्पित भी बनाया हुआ है। तो ऑब्वियसली सब लोग जो है उनका अलग अलग कुछ ना कुछ टास्क जो है वो लेके बैठे हुए हैं। तो दिस इज अबाउट द अगेन दिस इज अबाउट द बट अर्पित जो है वो मेजरली थोड़ा सा
हायर एजुकेशन रिलेटेड है, सो ये एक डिफरेंस को भी हम लोग बता सकते हैं, बिकॉज निष्ठा जो है वो लोअर एजुकेशन के लिए रहने वाला है और अर्पित जो है वो हायर एजुकेशन के लिए रहेगा। एंड अगेन ये भी कैसे होगा, थ्रू मूक और स्वयं पोर्टल वगैरह से होने वाला है। तो 75 डिसिप्लिन में ऐसे नेशनल रिसोर्स सेंटर जो है अलग अलग फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। ओके, सो दैट वॉज अबाउट ऑल द स्कीम विच आर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है दीक्षा पोर्टल। सो व्हाट इज दिस दीक्षा पोर्टल? तो दीक्षा इज अ नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स विच ऑफर रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो एम क्या है, टू इक्विप ऑल द टीचर्स अक्रॉस द नेशन विद एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी विच विल इनेबल एक्सेलरेट एम्पलीफाई द सोल्यूशन ओके इन द रेलम ऑफ द टीचर एजुकेशन। सो टीचर कैन यूज दिस पोर्टल फॉर देयर ओन ट्रेनिंग ओके इन क्लास रिसोर्सेस न्यूज एडवांसमेंट टीचर कम्युनिटी। तो बेसिकली सारे के सारे टीचर का अगेन सब कुछ उसमें होने वाला है। बाकी इसमें दीक्षा पोर्टल जो है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो होने वाली है वो है कि टीचर का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो रिकॉर्डेड रहने वाला है। सो यही आपके दीक्षा पोर्टल में होने वाला है। ओके, सो टीचर का पूरा इन्होंने क्या कहाँ से कौन से कॉलेज से पढ़ाई की हुई है, कहाँ पे क्या किया है, तो वो सब उसमें रिकॉर्डेड रहेगा। तो फीचर्स क्या है, द पोर्टल लिवरेजेस एग्जिस्टिंग हाईली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल कीपिंग टीचर्स एट द सेंटर। ओके, इट इज बिल्ट कंसिडरिंग द होल टीचर्स लाइफ साइकिल ओके फ्रॉम टाइम ऑफ स्टूडेंट टीचर एनरोल इन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू आफ्टर दे रिटायर एज अ टीचर। टीचर कैन लर्न एंड ट्रेन देमसेल्फ फॉर विच असेसमेंट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल। दीक्षा कैन प्रोवाइड ओपन मॉड्यूलर एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी दैट ओके गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन सीमलेसली इंटीग्रेट विद देयर रिस्पेक्टिव टीचर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स। तो यही है दीक्षा पोर्टल। तो दीक्षा पोर्टल मतलब सिंपल समझ के लो, कोई भी टीचर रहने वाला होगा वो जब से आपका ऐसे किसी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर वो जब एडमिशन लेता है तब से लेके वो रिटायर होने तक का सारा उसका बही खाता जो है वो उसमें दीक्षा पोर्टल में आपका सारा का सारा मिलने वाला है। ओके, बाकी इन लोगों को कंटेंट वगैरह तो मिलेगा ही, खुद को नॉलेज जो है एनहांस करने को तो मिलेगा ही। यस, सो दैट इज अबाउट दिस दीक्षा पोर्टल। ओके, तो आज हम लोगों ने बहुत सारे स्कीम्स देखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज जो है आप लोगों को कर सकती है स्कीम्स, तो दैट वाज अबाउट इट। ओके, तो ऑलमोस्ट कितने सारे स्कीम्स हो गए आज अपने। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया ध्रुव से, फिर ध्रुव जो है वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स कब से कब तक के, 9 to 12 तक के। फिर देखा हमने निष्ठा, निष्ठा किसके लिए है, तो अगेन एलिमेंट्री एजुकेशन ओके एलिमेंट्री लेवल का खुद का ही एजुकेशन इन लोग कर सके, टीचर्स खुद को ट्रेन कर सके। इक्विप, तो ये प्लान है, 5 ईयर प्लान है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से आने वाली है, तो हेफा से इन लोग ले सकते हैं पैसा। स्वयं 2.0 देखा हमने, यस, तो स्वयं पे फ्री कोर्सेज चलते हैं, आपको अगर उसका मतलब सर्टिफिकेशन चाहिए तो सर्टिफिकेशन के लिए मिनिमल फीस देनी है, प्लस वही आप लोग जो है अपने यूनिवर्सिटी को दिखा सकते हो। परामर्श क्या होने वाला है, तो परामर्श में सिंपली ओके कि जिनका नैक में रेटिंग अच्छा है ओके तो वो लोग गाइड करेंगे दूसरे लोगों को हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो अपना रेटिंग और क्वालिटी जो है वो एनहांस करने के लिए। फिर दीक्षारंभ, तो दीक्षारंभम इज नथिंग बट अ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो बस उसमें बताया होगा कि वो लोग जो है वो कैसे अपने आप को इंटीग्रेट वगैरह इसमें कर सकते हैं एंड एंड द अदर स्टफ। ओके, फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हम लोगों ने कुछ अगेन कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो देखे हुए हैं। तो कौन कौन से थे, तो अरिया देखा हमने जो कि इनोवेशन रैंकिंग के रिलेटेड है, उसके बाद में हम लोगों ने इम्प्रेस देखा। इम्प्रेस जो है वो सोशल साइंसेस में रिसर्च करने के लिए आप लोग प्रमोट कर रहे हो। रिसर्च PMRF में क्या होगा, सिर्फ कुछ ही आपके कुछ IITs वगैरह से अगर आप लोग या NITs वगैरह से अगर आप लोग पास आउट हो तो ही आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। स्पार्क देखा हमने, स्पार्क में क्या होगा, वर्ल्ड एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस का आप लोग कोलेबोरेशन करोगे। स्टार्स में क्या होगा, अगेन इंडिया टू इंडिया ही आप लोग कोलेबोरेट करोगे। फिर लीप, लीप में क्या होगा, सिर्फ हेड जो है ओके इंस्टीट्यूशन के या जो टीच जो आगे लीडरशिप रोल जो है वो लेने वाले हैं तो उनकी आप लोग ट्रेनिंग करोगे, जिसमें से 2 वीक जो है वो डोमेस्टिक ट्रेनिंग होगी और 1 वीक जो है वो आपकी
फॉरेन ट्रेनिंग होने वाली है। और लास्टली हम लोगों ने अर्पित देखा, तो अर्पित जो है, सो जैसे जैसे निष्ठा पोर्टल बाकी लोगों के लिए बना हुआ है, वैसे ही अर्पित पोर्टल जो है वो किसके लिए बना हुआ है, तो अर्पित पे इन लोग जो है टीचर ही खुद को ट्रेन वगैरह कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट अर्पित। एंड लास्टली हम लोगों ने देखा वो है दीक्षा पोर्टल। तो दीक्षा पोर्टल में स्टूडेंट का पूरा लाइफ साइकिल जो है, सॉरी टीचर का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो सारा का सारा उसमें रिकॉर्डेड रहने वाला है। सो दैट वॉज अबाउट ऑल दिस स्कीम। सो आई सपोज सबको समझ में आया होगा। प्लीज ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं, इसके लिए अच्छे से ध्यान से सुनो और प्लीज अभी के अभी चैट बॉक्स पर रिप्लाई करो कि यस आपको समझ में आया करके, सो दैट आई कैन मूव अहेड। कम ऑन रिप्लाई फास्ट। रतन गिरी, बहुत दिनों बाद दिखा है तू रतन, कैसा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ विल टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का समग्र स्कीम। तो अमोद पातोड़े ने सही आंसर दिया होता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो तीन जो स्कीम थे अपने, ओके, तो अगेन ये सर्व शिक्षा अभियान, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो ये जो था आपका एलिमेंट्री एजुकेशन तक के लिए था, ठीक है। तो इसमें से आप लोग 8 स्टैंडर्ड तक के लिए, आपका राष्ट्रीय माध्यमिक जो है वो 9 to 12 तक के लिए, प्लस टीचर्स का जो ट्रेनिंग वगैरह होता था, ओके, तो ये प्रोग्राम। तो ऐसे ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग, आमोद तुम्हारा आंसर मैं आगे बताता हूँ तुमको, ओके। उच्चतर कुछ कुछ है नाम उसका, हम लोग आगे देख लेंगे। सो दिस सर्व शिक्षा अभियान, टीचर्स ट्रेनिंग एंड उसके बाद में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन तीनों को भी हम लोगों ने मर्ज करके एक स्कीम बनाई है, दैट इज समग्र शिक्षा अभियान, ओके। तो ये समग्र शिक्षा अभियान जो है बेसिकली अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। 2018 से इन लोगों ने नाम जो है उसका चेंज कर दिया है। ऑब्वियसली इसका डिपार्टमेंट जो है, मतलब जो नोडल डिपार्टमेंट होगा वो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का होगा। यस, इन्होंने तीन स्कीम्स को सबमर्ज कर दिया है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स आप लोग एकदम इजीली समझ सकते हो। एंड कुछ फंडिंग जो है उसका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो 60-40, 90-10 वगैरह इनका रहने वाला है। दैट इज अबाउट समग्र शिक्षा। तो किया क्यों ऐसा? बिकॉज इनको जो है स्कूल एज अ कंटिन्यूम पूरा का पूरा अचीव करना है, कि सारा स्कूल का एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूम में हो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह हो गए थोड़े से, फिर फंडिंग परफॉर्मेंस बेस्ड वगैरह की हुई है। सो ये सब आपके ये सब आपके स्कीम्स है, ओके। बाकी अभी हम लोग सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम से हम लोग अभी डील नहीं करेंगे। कुछ स्कीम जो है हम लोग, ये ऑलरेडी हमारा जब गवर्नमेंट स्कीम्स का जो लेक्चर वगैरह चलेगा तब हम लोग देखेंगे, बट अभी सिर्फ एक हल्का सा बता देता हूँ कि स्कूल एजुकेशन के लिए अलग अलग स्कीम्स है, जैसे समग्र शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान है, शगुन पोर्टल है, पढ़े भारत बड़े भारत है, मिड डे मील स्कीम है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है, फिर ई पाठशाला वेब पोर्टल वगैरह है, माध्यमिक शिक्षा अभियान है, लेकिन ये सब अभी समग्र शिक्षा में बन गए हैं। शाला सिद्धि, शाला दर्पण, अस्मिता, ओके, फिर उसके बाद में डिजिटल बोर्ड, कला उत्सव, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स अपने पास, ओके, जो है दीक्षा पोर्टल, पंडित मदन मोहन मालवीय, ओके, नेशनल मिशन फॉर ट्रेनिंग ट्रेन नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, ठीक है, फिर स्वच्छ विद्यालय, यूडाई से प्रोग्राम, यूडाई से प्लस भी आया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है। अब हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है। फिर आपका स्वयं पोर्टल है जो ऑलरेडी हमने देख लिया है, ई शोध सिंधु है, यस, तो जिसमें आपका एक्चुअली कि किसने क्या क्या बिब्लियोग्राफी वगैरह यूज करना है उसके लिए काम आता है। ईशान विकास, ईशान उदय, देखेंगे हम लोग बाद में,
उन्नत भारत, ओके, सो इट एम्स एट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन इंस्टीट्यूट एंड हायर एजुकेशन इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द रूरल इंडिया. तो व्हाट अमोद वाज आस्किंग, ओके, इज रिलेटेड टू उन्नत भारत, ओके. एंड आई थिंक इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो पूछ चुके हैं हम लोग, मतलब यूपीएससी जो है वो ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है उन्नत भारत पे. तो उन्नत भारत क्या होगा, तो कुछ आपके हायर एजुकेशन के कुछ इंस्टीट्यूशंस है, तो वो रिसर्च एंड ट्रेनिंग के थ्रू रूरल इंडिया के लिए रेलिवेंट कुछ जो चीज़ें हैं तो वो होने वाला है. तो इसमें आपके IITs, NITs एंड बाकी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. सो आई सपोज इसको समझ में आ गया, मतलब अमोद प्लस आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो स्कीम कौन सी, उन्नत भारत. फिर ऐसे ही कुछ इम्प्रिंट, गियान, NIRF प्लस सक्षम स्कॉलरशिप, कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम, उच्चतर आविष्कार अभियान, तो ये भी है. लेकिन उच्चतर आविष्कार अभियान में क्या होने वाला है कि ये लोग जो है वो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले. तो उन्नत भारत में सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करो और उच्चतर आविष्कार अभियान में इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ओके. सो ये दो स्कीम अलग अलग है. बाकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, हेफा है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ, तो इसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं. ये सारे के सारे न्यू इनिशिएटिव्स ऑलरेडी जो 2018-19 के लिए रेलिवेंट थे ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं, ओके. सो दैट वाज अबाउट ऑल द हायर एजुकेशन स्कीम. सो आई सपोज सबको ये सब जो है वो समझ में आया होगा. डोंट वरी, गवर्नमेंट के स्कीम्स हम लोग बाद में ठीक से डिटेल में कर लेंगे जो अलग अलग एजुकेशन रिलेटेड है करके, ओके. अभी मेन एम था थोड़े से हायर एजुकेशन के जो नए आए हैं प्लस एकदम रीसेंट है उनको अच्छे से करना है, तो इसलिए हम लोग स्विच करते हैं आज के नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है मैपिंग एक्सरसाइज, ओके. तो उसके पहले मुझे पूछना है, ओके, कि मुझे बताओ 9 डिग्री चैनल किसके लिए है फेमस, 10 डिग्री चैनल किसके लिए फेमस है, 8 डिग्री चैनल किसके लिए फेमस है, एक 38 डिग्री, ओके, या इसको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं, एंड 42 पैरेलल किन किन चीजों के लिए फेमस है. कम ऑन, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स जल्दी से फटाफट. एट डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 38 डिग्री एंड 42 डिग्री किस किस चीजों के लिए फेमस है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी. 5 आप लोगों को मैंने दिए हुए हैं. दमन एंड निकोबार, अच्छा, अंडमान एंड निकोबार, रश्मि. कोई 42 डिग्री के बारे में बता ही नहीं रहे. यस, वेरी गुड. 8 डिग्रीज मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, ठीक है, ये सब पे हम लोग आएंगे ही. बट उससे पहले कितने लोगों को ये न्यूज़ पता है कि अंडमान एंड निकोबार के 3 आइलैंड्स जो है उनका नाम जो है वो चेंज कर दिया है. कम ऑन, कितने लोगों को पता है ये न्यूज़ कि अंडमान एंड निकोबार के 3 आइलैंड्स जो है उनके नाम चेंज कर दिए हैं, फटाफट बताओ. तुम सबको मैं ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री सबके बारे में बताऊंगा, तो अभी उसको छोड़ो और मुझे बताओ कि कितने लोगों को पता है 3 आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया है. पता है तो जस्ट यस कर दो.
नहीं पता है तो नो करो ताकि हम लोग आगे सिखाएं। ओके गुड। तो तीन आइलैंड जो है वो है आपके हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड एंड नील आइलैंड। ओके, तो हैवलॉक आपका यहाँ पे है, नील आपका यहाँ पे है एंड फाइनली आपका रॉस आइलैंड। तो ऐसे तीन आइलैंड्स हैं आप लोगों के, और ये तीनों आइलैंड जो है तो ऑलमोस्ट इनका नाम जो है अभी चेंज कर दिया। और तीनों का नाम क्या रखा है, तो हैवलॉक का नाम रखा है जो सबसे ऊपर है, उसका नाम रखा है स्वराज द्वीप। ओके, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है रॉस आइलैंड, उसका नाम रखा है अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ओके, फिर उसके बाद में फाइनली आपका नील आइलैंड है जिसका नाम एक्चुअली इन लोगों ने रखा है शहीद द्वीप। तो ये क्या हुआ था जब, ओके, 75 साल पूरे हो गए थे कि जब सुभाष चंद्र बोस ने, ओके, 75 साल जब पूरे हो गए थे जब उन्होंने वहां पे ट्राई कलर जो है वो फड़काया था, ओके, एट पोर्ट ब्लेयर, तो उसको याद करने के लिए, सो दैट वाज डन ऑन डिसेंबर 30, 1943। तो उसमें आप लोग 75 ऐड करो, सो दैट वुड ऑलमोस्ट कम टू 30 दिसंबर 2018। तो उस दिन 75 साल जो है उसके पूरे हो रहे थे झंडा फड़काने के। तो इसके लिए फिर जो है इस इवेंट को मार्क करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने, ओके, ये तीन जो आइलैंड्स हैं इनका नाम जो है वो चेंज कर दिया था। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, या तो इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्लस अगर ऐसा नहीं पूछा तो आपको अंडमान एंड निकोबार के पूरे बारे में पूछेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार जो है उसको अच्छे से अपने को पता होना चाहिए। तो अंडमान जो है ये आपका ऐसे है, तो इसमें भी आपका ग्रेटर अंडमान है एंड दूसरा जो है वो है आपका लिटिल अंडमान। ओके, तो ये है आपका लिटिल अंडमान, और लिटिल मतलब पूरे अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करता है उसका डिग्री चैनल है, दैट इज 10 डिग्री चैनल। ओके, सो ये सिर्फ अच्छे से सिंपली याद रखो कि अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट करता है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल, और इसके थ्रू जो पैसेज जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डंकन पैसेज। फिर उसके बाद में आपका है फाइनली नीचे निकोबार है। ओके, और निकोबार में फिर क्या है आपका, अगेन ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार वगैरह, ये सब आपको पता ही होगा। फिर इवन आपका जो ऊपर का ग्रेटर अंडमान जो है उसको आप लोग नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान एंड लोअर अंडमान में जो है वो आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपके ग्रेटर अंडमान में आता है, इतना सिर्फ अच्छे से सिंपली याद रखना। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस अंडमान का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो आई सपोज ये वाला जो है वो सबको समझ में आया होगा। तो एक बार वापस हम लोग देख लेते हैं इसको कि एग्जैक्टली क्या है ये। सो सिंपली अंडमान एंड निकोबार में पहले डिवाइड करो, उसके बाद में अंडमान को भी आप लोग दो में डिवाइड कर सकते हो, लिटिल ग्रेटर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो ग्रेटर में नॉर्थ, मिडल एंड लोअर है, तो ये सारे के सारे आइलैंड जो है वो आपके याद रखना ग्रेटर अंडमान में है। ओके, मतलब जो बड़ा जो आपका आइलैंड है उधर है, लिटिल अंडमान में नहीं है। ये आपका 10 डिग्री चैनल है जो कि जहां से हम लोग इसको, इस पैसेज को हम लोग बोलते हैं डंकन पैसेज। ठीक है, फिर इसके अलावा आपके निकोबार आइलैंड्स है, और यहाँ पे आपको 6 ट्राइब जो है वो मिलेंगी। 6 ट्राइब्स कौन कौन सी है, तो ग्रेट अंडमानीज एंड जरावा। तो ये जो दो ट्राइब्स जो है, ओके, कौन कौन सी, ग्रेट अंडमानीज एंड जरावा जो ट्राइब है ये आपको मिलेंगी बेसिकली इस ग्रेटर अंडमान पे। ओके, फिर उसके बाद में है आपका सेंटिलीज। तो सेंटिलीज जो है ये ऑलमोस्ट, ये जो आप लोग यहाँ पे एक आइलैंड जो देख रहे हो एकदम छोटा सा, तो ये सेंटिलीज आइलैंड है, और ये सेंटिलीज आइलैंड पे जो है आपको सेंटिलीज ट्राइब मिलेंगी। फिर उसके बाद में ओंगे ट्राइब जो है, तो ओंगे ट्राइब यू विल फाइंड ऑन द लिटिल अंडमान। फिर निकोबारीज एंड शॉम्पेन, तो निकोबारीज जो है वो यहाँ पे आपके निकोबार प्लस शॉम्पेन जो है वो ग्रेटर निकोबार में वगैरह आपको जो है वो मिलेंगे। ओके, तो आई सपोज कौन से ट्राइब जो है वो कहाँ पे है ये भी आपको पता चल गया। सो 6 ट्राइब्स है, ग्रेटर अंडमानीज, जरावा, ये आपके मेजरली इस वाले ट्राइब में है। फिर सेंटलीज, यहाँ पे सेंटलीज आइलैंड है। फिर ओंगे, ओंगे आपका यस लिटिल अंडमान में है। निकोबारीज एंड शॉम्पेन आपके दोनों भी नीचे है। ओके, रश्मि इज वेरी क्यूरियस टू नो कि 42nd डिग्री चैनल किसको काटता है। अरे किसी ने तो दिमाग लगा के फट से गूगल कर लेना चाहिए था।
अभी तक 42nd डिग्री जो है वो यूएस एंड कनाडा, ओके, उसको सेपरेट करता है। 38 जो है, चलो अभी सबके आंसर दे ही देते हैं। सो सबसे पहले है आपका 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मतलब लक्षद्वीप या मिनी कॉय बोले बेसिकली, तो मिनी कॉय एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है। 9, इसको हम लोग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो सबसे नीचे आपका 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री में आपका आएगा नीचे मालदीव्स जो कि अटॉल्स है। यस, तो आपको पता होगा कि इवन इंडिया में भी अपने पास में अटॉल्स है जिसमें आते हैं मिनी कॉय, और इस तरफ में आपका आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप एंड मिनी कॉय को जो है वो 9 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करेगा। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनी कॉय एंड मालदीव्स को सेपरेट करेगा। एंड आपका जो ऊपर 10 डिग्री चैनल जो है, जस्ट हमने देखा, अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करेगा। उसके ऊपर आएगा आपका 38th पैरेलल जो कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को जो है वो डिवाइड करता है। एंड लास्टली आता है आपका 42nd डिग्री या 42nd पैरेलल, ओके। तो ये आपका कनाडा एंड यूएस जो है उसको सेपरेट आउट करता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट ऑल द डिग्री लाइंस। तो इसको अच्छे से याद रख लो, एकदम सिंपल है, याद रखना कुछ नहीं है। 8 डिग्री सबसे नीचे मालदीव्स है तो मिनी कॉय के बीच में सेपरेशन लगेगा, फिर जस्ट ऊपर 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री एंड 10 डिग्री में कंफ्यूज हो सकते हो, उसको सिर्फ अच्छे से कर लो तो बाकी कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट अंडमान एंड निकोबार। तो ये सब जो है वो अंडमान एंड निकोबार के आपको मैंने हिस्ट्री बता दी है। यस, सो ये आपका सदर्न अंडमान, रॉस आइलैंड है आपका यहाँ पे, यस। उसके बाद में नील आइलैंड देखा, हैवलॉक आइलैंड देखा हमने। तो हैवलॉक, रॉस एंड नील, इन तीनों का नाम जो है वो चेंज कर दिया। तो अब इनका नाम क्या किया है, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड एंड लास्टली नील आइलैंड को शहीद द्वीप बना दिया। और वाई वाई वॉज दिस डन, 75th ईयर एनिवर्सरी ऑफ अनफर्लिंग द फ्लैग ऑल्सो। और एक चीज जो की हुई थी वो है कि इट वॉज द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी, अंडमान आइलैंड वॉज द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी विच वॉज लिबरेटेड बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सिर्फ अच्छे से हिस्ट्री के लिए याद रखो, ओके। बाकी और भी कुछ हम लोग अगर फैक्ट्स अगर देखें अंडमान के बारे में, सो आई जस्ट शो यू। तो एक थोड़ा सा अपने को ऑलरेडी पता चल चुका है कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ है, सो वील डायरेक्टली टॉक, ओके। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ यूनियन टेरिटरी कंप्राइजिंग ऑफ ऑलमोस्ट 572 आइलैंड्स और 37 आर इनहेबिटेड। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हैं, अंडमान, मिडल अंडमान, सदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार ऑलरेडी हमने देख लिया। डंकन पास, इट सेपरेट्स रटलैंड आइलैंड ऑफ सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ओ सॉरी, डंकन पैसेज जो है, डंकन पास जो है वो एक, मैंने गलती कर दी। गलती क्या की है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सिखाते टाइम में बोला कि 10 डिग्री चैनल जो है इसी को हम लोग डंकन पास बोलते हैं, बट वो मैंने गलत बोला है। डंकन पास जो है वो कहाँ पे है, तो आपका जो लिटिल अंडमान है प्लस आपका जो सदर्न जो अंडमान है इनको डिवाइड करने वाला जो पैसेज है उसको हम लोग डंकन पैसेज बोलते हैं। 10 डिग्री चैनल आपके पूरे के पूरे अंडमान को और आपके निकोबार को जो है वो डिवाइड करता है। तो पहले आपका ऑब्वियसली कार आएगा एंड उसके बाद में ग्रेट निकोबार नीचे आने वाला है। और इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि है इंदिरा पॉइंट, तो ये आपका यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, ओके। और नारकोंडम आइलैंड जो है वो इस तरफ में आता है, ओके। फिर बैरन आइलैंड भी है, बैरन आइलैंड काफी फेमस है, किस लिए, बिकॉज इंडिया का एक ही, ओके, एक्टिव वॉल्केनो जो है वो आपके बैरन आइलैंड पे आता है, ओके। नारकोंडम आइलैंड आर ऑल्सो वॉल्केनिक आइलैंड, रिसेंटली वहाँ पे बैरन आइलैंड पे जो है वो इरप्शंस देखने को मिले थे। बाकी अगर पीक्स की वगैरह बात करें तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली ये घटना जो हो चुकी है वो ऑलरेडी हमने इसमें डाल दी है, ओके। सो डंकन पास, ओके, इट सेपरेट्स योर सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ओके, इतना अच्छे से याद रखना, ठीक है। इंदिरा पॉइंट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बाकी 6 एबोरिजिनल आपके सारे के सारे ट्राइब्स यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन सबका ओरिजिन जो है वो अलग अलग है। निग्रो एंड मंगोलाइड ऐसे आपके दो अलग अलग ट्राइब्स है। फिर
कैंपेल बे नेशनल पार्क यहाँ पे है, उसके अलावा गलेथिया बे नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मराइन पार्क यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, रानी झांसी मराइन पार्क यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। तो ऐसे कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, एंड कोको आइलैंड जो कि एक्चुअली किसका है, म्यांमार का, तो वो भी वहीं से पास में है मतलब। ओके तो इतना है अंडमान के बारे में। अब और यस ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ा सा लक्षद्वीप भी पता होना चाहिए। द लक्षद्वीप जो है, तो बेसिकली इसको हम लोग अगेन इसको हम लोग जो है वो लैकेडिव मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड में हम लोग जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एमिन दीवी, फिर लक्षद्वीप एंड नीचे होगा आपका मिनिकॉय। ओके तो ये आप लोग ऐसे 1, 2 एंड 3 आइलैंड ग्रुप्स में जो है इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय विद लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय विद मालदीव्स। ओके उसके अलावा फिर बेंगाराम कोरल आइलैंड जो है, सो इट इज द आइलैंड दैट होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ओके कोरल रीफ के प्रोटेक्शन के लिए, अभी रिसेंटली इसके लिए न्यूज में था। बाकी पराली आइलैंड काफी फेमस है यहाँ का, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ बेंगाराम अटॉल, और यहाँ पे क्या हुआ है, इट हैज वैनिश्ड ड्यू टू कोस्टल इरोजन। ओके सो इसके रिगार्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। फिर कवरत्ती सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ओके और इसका हाई कोर्ट जो है वो केरला हाई कोर्ट लगता है। कोई मुझे बता सकता है अंडमान एंड निकोबार का कौन सा हाई कोर्ट लगता है? कम ऑन, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड बताओ जल्दी से, अंडमान एंड निकोबार के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? Come on, guys. वेरी गुड, अमोद पातोड़े जीत गया है। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है याद रखना, अंडमान एंड निकोबार के लिए जो हाई कोर्ट जो लगता है वो वेस्ट बंगाल का है, लक्षद्वीप के लिए केरला का है। ओके ऐसा क्यों होगा, तो याद रखना अंडमान में ओके ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो लैंग्वेज जो बोली जाती है ओके इट इज बेसिकली बंगाली। तो ये वाली ट्रिक से तुम लोग याद रख सकते हो मे बी, कि अंडमान में मेजरली बंगाली लैंग्वेज जो है वो काफी बोली जाती है। तो इसके लिए फिर वहां पे आपका वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो आपका लगता है लक्षद्वीप के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे केरलाइट्स जो है वो ज्यादा आए होंगे, बिकॉज आप लोग देख सकते हो कोचीन से कितना जस्ट पास में है ये सारे आइलैंड्स। तो इसके लिए यहाँ पे फिर आपका मतलब दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो वाला आइलैंड आपका आता है। इसी के अलावा बाकी भी हम लोग थोड़े से मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पर्शियन गल्फ पे। पर्शियन गल्फ में मेन जो चीजें हैं वो क्या है, तो उसमें से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, हाउ सऊदी अरेबिया ओके एंड यूएई दे फोर्स्ड कतार ओके, तो उन लोगों ने कतार पे क्या दबाव वगैरह बनाया हुआ था, तो इसके लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल न्यूज में था। प्लस वो सुलेमानी ओके जो कि ईरान ईरान के जो हाईएस्ट जो आई वुड से आर्मी का चीफ है, मतलब रॉयल आर्मी का जो चीफ था, उसको बेसिकली यूएसए ने अभी उड़ा दिया था जब वो इराक में घूम रहा था। ओके तो इसके लिए पक्का से इस साइड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो रहेगा। तो पर्शियन गल्फ याद रखो, पर्शियन गल्फ में जो है वो कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं आपके। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि दिस इज गल्फ ऑफ ओमन ओके एंड गल्फ ऑफ ओमन एंड एक सेकेंड एंड गल्फ ऑफ ओमन एंड पर्शियन गल्फ को जो कनेक्ट करता है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है तो इसको बस अच्छे से समझ के लो। फिर कंट्रीज विद कोस्ट लाइन इन द पर्शियन गल्फ कौन कौन से हैं, तो इसमें से ईरान है, ओमन है ओके याद रखना ओमन का एकदम छोटा सा पार्ट जो है वो वहां पे आपका आता है। फिर यूनाइटेड यूएई है, सऊदी अरेबिया, कतार ओके, फिर उसके बाद में बहरीन है, कुवैत है, इराक है, तो ये सब जो है वहां पे आते हैं। ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, तो इट इज अ स्ट्रेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ
ओमन। गल्फ ऑफ ओमन क्या है? इट इज अ गल्फ दैट कनेक्ट्स अरेबियन सी विद द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और यहाँ पे आपका कौन कौन है? तो मेजरली ईरान है, प्लस आपका दूसरा जो है वो ओमन है। यस, चाबार पोर्ट, अगेन चाबार पोर्ट जो है वो इसी तरफ में आपके गल्फ ऑफ ओमन के साइड में ही आता है। सो इट इज अ सी पोर्ट लोकेटेड इन द सदर्न ईस्टर्न ईरान एंड गल्फ ऑफ ओमन। और ये चाबार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया हुआ है, सबको पता होगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज कौन कौन से? बहरीन, कुवैत, ओमन, कतार, सऊदी अरेबिया। इसका ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन कौन से जो है वो कंट्रीज जो है वो इसके पार्ट है। तो ये आपके इतने कंट्रीज है, बस इतना अच्छे से याद रखो। ओके, दैट इज अबाउट द पर्शियन गल्फ। नाउ यू गाइस हैव अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सो आंसर मी। तब तक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कम ऑन, आंसर में फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाउंड्री कंट्रीज ऑफ द रेड सी? ए बी सी डी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आदित्य ने आंसर दिया है बी। सबको आंसर देना है, जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट 25-26 लोग ऑनलाइन है यहाँ पे, सबको आंसर देना है। सब लोग इतने कैसे करेक्ट हो गए? ऊपर का देख देख के तो टाइप नहीं कर रहे ना, बी 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 बी। अब सब बी लिखोगे, कोई ए नहीं लिखेगा, कोई सी नहीं लिखेगा। एनीवेज, सो लेट अस कम टू रेड सी। रेड सी को याद कैसे रख सकते हैं हम लोग? डेजी, प्रियंका पानसरे जानबूझ के लिखी है क्या? वाह, कौन सिखा था तुम सबको ये? कौन है तुम्हारा टीचर, इतना परफेक्टली सिखाया? बाप रे, सम्राट भी ऑनलाइन है क्या अभी? कभी क्लास में तो आया नहीं। एनीवेज, सो रेड सी में जबूती, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट एंड येमेन, ये आपके जो आपके 6 कंट्रीज जो है ये आपके रेड सी में आते हैं। ओके, तो कौन कौन से है? इजिप्त, ओके, अगेन सूडान, फिर यहाँ पे आपका एरिट्रिया है, फिर जबूटी है ये, एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, ऑब्वियसली ये सब जो है आपके कंट्रीज जो है, एंड येमेन। तो ये आपके 6 कंट्रीज जो है वो रेड सी में आते हैं। बाकी फिर सोमालिया जो है वो आपका गल्फ ऑफ एडन में आता है, इतना याद रखना। ओके, सोमालिया जो है, तो अगर सोमालिया को ही आप लोग एलिमिनेट करो तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज सोमालिया। सो 7 गॉन, तो ये गया, ऑल ऑफ द अबव गया। आपके पास में बचे हैं 2 ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा है 1 3 4 5 6। तो आप लोग इतना अंदाजा पक्का लगा सकते हो कि जबूटी एंड एरिट्रिया दोनों भी जो है वो रेड सी में रहने वाले हैं। बाकी जबूटी को अच्छे से पढ़ के रखो, बिकॉज दिस इज एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जबूटी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे, मतलब जो गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी को जो कनेक्ट करता है वो उस स्ट्रेट पे जो है वो जबूटी आता है। इसके लिए फिर चाइना जो है उसने अपने इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो वहां पे, मिलिट्री पोर्ट जो है वो वहां पे बना के रखा हुआ है। सो एक बार हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लेते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न पता है आपको, ऐसे शेप का होता है, तो इसी के लिए हॉर्न मतलब सींग, ठीक है, ना कि हम लोग जो बजाते हैं, तो वो नहीं, सींग, सींग। तो ये आपका ऐसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो ऐसे आपका आता है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज है? तो सोमालीलैंड एंड सोमालिया, ऐसे आपके 2 कंट्रीज है यहाँ पे। ओके, फिर
बाब ए मलदाब, ओके, इट्स अ स्ट्रेट कनेक्टिंग येमेन ऑन अरेबियन पेनिनसुला एंड जबूटी इन द एरिट्रिया, ओके। तो ये मंदाब मतलब बेसिकली बाब एल मंदाब, ओके। तो ये आपकी स्ट्रेट जो है वो आपके रेड सी को और आपके जो इसका क्या नाम है गल्फ ऑफ अडेन जो है उसको ऑलमोस्ट कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। फिर जबूटी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सुएज कैनाल जो है यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, सुएज कैनाल, यस। तो ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के थोड़े से बेसिक्स है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ ही रहे तो थोड़ा सिनाई पेनिनसुला भी पढ़ लेते हैं। सिनाई पेनिनसुला मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है, तो इजिप्ट का ऑलमोस्ट ये जो इतना पार्ट जो है इसको हम लोग सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। एंड ये जो है ये बहुत बार जो है इसराइल ने उनको हराया हुआ है, बहुत बार उनके कब्जे में लिया हुआ है और बाद में इनको छोड़ना भी पड़ा है। सो दिस इज दिस सिनाई पेनिनसुला। अब सिनाई पेनिनसुला के थ्रू ही फिर ऑटोमेटिकली इनको गल्फ ऑफ अकाबा जो है, तो उसमें गल्फ ऑफ अकाबा जो है उसमें बेसिकली इसको एंट्री मिल जाती है फिर इसराइल को, ओके। तो बिकॉज याद कैसे रखना है गल्फ ऑफ अकाबा में कैसे इसराइल के पास में एंट्री है, बिकॉज बहुत बार जो है इसने हराया हुआ है, तो इसके लिए इसराइल की एकदम छोटी सी एंट्री प्लस इजिप्ट की एंट्री होगी, सऊदी अरेबिया को भी है, ओके। तो ऐसे कुछ कंट्रीज जो है जिनको एक्चुअली गल्फ ऑफ अकाबा में जो है वो एंट्री मिली हुई है। सो इट इज अ लार्ज गल्फ, ओके, इन द नॉर्दर्न टिप ऑफ द रेड सी ईस्ट सिनाई पेनिनसुला, जिसमें एक्चुअली इजिप्ट, इसराइल और जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया, तो जॉर्डन को भी मिला है, सॉरी मैं बताना भूल गया, तो जॉर्डन, इजिप्ट, ओके, इसराइल एंड सऊदी अरेबिया, ये चार कंट्रीज जो है वो आपके गल्फ ऑफ अकाबा में आते हैं, यस। तो दैट इज अबाउट इट। बाकी सबको पता होगा गाजा स्ट्रिप, तो गाजा स्ट्रिप जो है एकदम हल्की सी जो यहाँ पे इसराइल में जो स्ट्रिप आती है इसको हम लोग गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। फिर इस तरफ में वेस्ट बैंक है जहाँ पे आपके पैलेस्टीनियन आर्मी वगैरह जो है वो रहती है, एंड एक्चुअली पैलेस्टीन को ये जगह दी हुई थी, लेकिन इसराइल क्या कर रहा है धीरे धीरे यहाँ पे इनहेबिटेशन अपना बढ़ाया जा रहा है। उसके जस्ट राइट में, ओके, वेस्ट बैंक के जस्ट राइट में ये लोग, ये जो आप देख रहे हो, सो दिस इज अ डेड सी, ओके, इट्स अ सॉल्ट लेक बॉर्डर्ड बाय टू कंट्रीज, जॉर्डन एंड इसराइल, तो दो ही कंट्रीज इसके बॉर्डर पे है, इसराइल एंड दिस। फिर गोलन हाइट जो है तो ऑलमोस्ट सीरिया के पार्ट में आता है, तो यहाँ पे आप लोग देख नहीं पाओगे, थोड़ा सा हाइट पे है गोलन हाइट्स और ये सीरिया का पार्ट है, तो बहुत बार इन लोगों ने जीता हुआ भी है, ओके ओके। मैप जूम इन चाहिए तुमको, ये लो, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा बालकन पेनिनसुला पे, तो बालकन पेनिनसुला समझ के लेते हैं कि बालकन पेनिनसुला में क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। तो बालकन पेनिनसुला में सबसे पहले तो, ओके, ये जो इतना पूरा जो एरिया है, अब मैं इसे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, एक काम करता हूँ पहले ड्रॉ ही कर लेता हूँ। तो इतना जो आपका पूरा जो एरिया है इस सबको हम लोग जो है वो बालकन पेनिनसुला बोलते हैं, ओके। अब हम लोग बनाते हैं, सो ये आपका बालकन पेनिनसुला है। अब बालकन पेनिनसुला में आपके कौन कौन से सी आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका है एड्रियाटिक सी, जो कि आपके बालकन पेनिनसुला के आपको मिलेगा वेस्ट पे। फिर उसके नीचे जो है वो है आयोनियन सी, उसके नीचे मेडिटेरियन सी है, फिर एगॉन सी है, ओके, तो यहाँ पे एगॉन सी है, एंड लास्टली यहाँ पे आपका आता है ब्लैक सी, ओके। तो इसको बस अच्छे से याद रखो, बालकन पेनिनसुला के अगर आप लोग फिर कौन कौन से कंट्रीज बेसिकली इससे एसोसिएटेड है, कौन कौन से कंट्रीज इसके पास में है, सो एड्रियाटिक, फिर आयोनियन, मेडिटेरियन, एगोनियन एंड ब्लैक सी, तो आपके ऐसे ये सब जो कंट्रीज जो है वो इसके पार्ट में है। ओके, रिफ्रेश कर लो, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। सो इसमें हम लोग देख रहे थे, तो बाल्कन पेनिनसुला इज बॉर्डर विद एड्रियाटिक, आयनियन, एगॉन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया आपका,
यस, उसके बाद में एड्रियाटिक सी, थोड़ा सा अगर हम देखें तो एड्रियाटिक सी जो है ऑलमोस्ट कहाँ पे आता है आपका, ये वाला जो पार्ट है तो इसको हम लोग जो है एड्रियाटिक सी बोलते हैं। यस, एड्रियाटिक सी है। फिर कंट्रीज कौन कौन से है एड्रियाटिक सी के यहाँ पे, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली एंड मोंटेगारो एंड स्लोवानिया। तो आई डोंट थिंक मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो इस पर कोई पूछा जाएगा, सो जस्ट लीव इट। सब अपने को थोड़ा सा सीज जो है उनका अगर इन लोग चाहे तो नॉर्थ टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ, ऐसा कुछ उन लोग जो है वो कॉम्बिनेशन जो है आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो इतना बस याद रखो, ठीक है। फिर एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, पॉलिटिकल टर्म बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन इज बेसिकली जो आपके कंट्री के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो उसको बाल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो इतना सिर्फ ध्यान में रखो। इनफैक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इट इज सेड कि इंडिया का भी बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, बिकॉज वी आर कंट्री ऑफ सो मेनी रिलीजन, वी आर कंट्री ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस, वी आर कंट्री ऑफ सो मेनी रेसेस, कास्ट, तो ब्रेक होना ही होना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अब सिंस वहां पे हम लोगों ने ब्लैक सी देखा था, तो ब्लैक सी के बारे में ही थोड़ा सा अपने को और डिटेल में पता होना चाहिए। तो ब्लैक सी के कंट्रीज कौन कौन से उसके पास में, सो गुरबट हम लोग बोलते हैं, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया एंड बल्जेरिया एंड टर्की। ओके, तो ऐसे आपके कुछ कंट्रीज जो है वो ब्लैक सी के अराउंड में है। तो ब्लैक सी के अराउंड में कौन कौन है, यस इट इज यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ओके, फिर आपका बल्गेरिया है यहाँ पे एंड रोमानिया, रोमेनिया ऑल्सो इज देयर। सो ये सब आपके कंट्रीज है जो ब्लैक सी से एसोसिएटेड है। बाकी अगर आप लोग देखो तो एगॉन सी के बाद में आपका सी ऑफ मरमरा आता है, ओके, और सी ऑफ मरमरा के बाद में आपका ब्लैक सी आता है, ओके। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा इसको जूम इन अगर हम लोग करें तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज ब्लैक सी, और फिर यहाँ पे आपकी आती है बोसोफेरस स्ट्रेट, ओके। तो ये बोसोफेरस स्ट्रेट जो है वो इस्तानबुल से जुड़ी हुई है, एंड यहाँ पे आपका सी ऑफ मरमरा है, जो कि सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी में सिर्फ एक बोसोफेरस स्ट्रेट आती है। वैसे ही यहाँ पे जो है वो डार्डेनिल्स स्ट्रेट आपकी आती है, जो एक्चुअली एगॉन सी एंड सी ऑफ मरमरा को जो है वो कनेक्ट करती है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इट। सो कंट्रीज कवरिंग द ब्लैक सी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट इज बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, टर्की वगैरह वगैरह। सी ऑफ मरमरा, तो सी ऑफ मरमरा क्या है, तो सी ऑफ मरमरा कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड एगॉन सी, ओके, दस सेपरेटिंग इट। बोसोफेरा स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद द सी ऑफ मरमरा, ओके, बोसोफेरा स्ट्रेट। फिर उसके बाद में आपका ये है डार्डेनेलिस स्ट्रेट, तो इट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा विद द सी ऑफ एगॉन, दैट इज अबाउट इट। बाकी सी ऑफ एजॉव है, ओके, तो सी ऑफ एजॉव और आगे अगर आप लोग यहाँ पे देखो, सो ये देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो दिस, ओके, तो ये सी ऑफ एजॉव और है, तो सी ऑफ एजॉव और आगे है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है एक सिंपली कि ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट आप लोग जो है एगॉन सी, सी ऑफ मरमरा एंड सी ऑफ एजॉव इसको जो है वो बनाओ, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है सिंपली आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो इसका बस ध्यान रखो। तो सबसे पहले एगॉन है, फिर सी ऑफ मरमरा है और सी ऑफ एजॉव है। अब एगॉन सी एंड सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने के लिए आपका है डार्डेनेलिस स्ट्रेट, और बोसोफेरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को एंड सी ऑफ मरमरा को, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ इट। देन कर्च स्ट्रेट जो है, ओके, कर्च स्ट्रेट, तो कर्च स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजॉव को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एकदम कर्च स्ट्रेट, एकदम छोटा सा स्ट्रेट है। अगेन आई विल जूम इट, यू कैन रीड दिस नेम कर्च, ओके, तो ये कर्च जो है वो उसका ही नाम है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ द ब्लैक सी एंड उसके आजू बाजू के जो जो सी है वो, ओके, सी ऑफ एजॉव। तो इसमें सी ऑफ एजॉव में एक चीज याद रखना कि यूक्रेन का, मतलब ब्लैक सी में दो चीजें आती है आपकी, ओके, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है यहाँ पे, ये आपका ब्लैक सी है, एंड यूक्रेन जो है उसका क्रीमियन पेनिनसुला जो है, ओके, जो कि एक्चुअली क्या किया है, रशिया ने एनेक्स कर लिया है, तो सॉरी रशिया ने जो है वो एनेक्स कर लिया है, तो रशिया बोलता है कि अब ये मेरा है, और इसके वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सैंक्शंस वगैरह, यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगाए थे। तो दिस इज सी ऑफ एजॉव, जिसमें दो कंट्रीज हैं,
वन इज यूक्रेन एंड सेकेंड इज रशिया एंड उसका क्रीमियन पेनिनसुला जो आता है, जो दोनों सी ऑफ एजोव और इधर आता है ब्लैक सी में, उसको इसने ले लिया है. सो दैट बिकॉज रशिया के पास में ना कोई भी हॉट वाटर पोर्ट नहीं है, तो अब उसको यहाँ से हॉट वाटर पोर्ट जो है वो मिल जाता है. सो दैट वॉज अबाउट सी ऑफ अजॉव. अब अगर कैस्पियन सी के बारे में बात करें, तो कैस्पियन सी में आपके तारीख कंट्रीज आते हैं. कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान. तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी ये सब जो है वो देख चुके हैं. इसके लिए इसके ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ कैस्पियन सी के बारे में इतना ही बता रहा हूँ. सेंट्रल एशिया के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर भी एक बार सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से सी जो है यहाँ पे आते हैं. तो वन इज कैस्पियन सी, उसके बाद में आपका आता है एरल सी, एरल सी के बाद में आपका आता है लेक बालकाश. ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा बोलूंगा कि ज्योग्राफिकल रीजन्स है. ठीक है, उसके अलावा सबको पता होगा कजाकिस्तान. ओके, कजाकिस्तान के नीचे उज़बेकिस्तान, तो उज़बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डरी बॉर्डर जो है वो तुर्कमेनिस्तान के भी साथ में आती है. ओके, फिर इधर से उज़बेकिस्तान जो है, तो इधर देखो तुर्कमेनिस्तान की भी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, उज़बेकिस्तान की भी बॉर्डर इसके साथ है एंड ताजिकिस्तान की भी इसके साथ में है. ओके, तो बाकी दूसरा फिर किर्गिस्तान जो है वो आपका यहाँ पे आता है. ठीक है, सो अब पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है. तो इन सब का मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज का ओरिजिन जो है वो कब हुआ था, जब ये सोवियत यूनियन 1991 में जो है वो कोलैप्स हुआ था, फिर उसके वजह से कजाकिस्तान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान ऐसे कंट्रीज बने. कैस्पियन सी है आपका, ऑलरेडी बात हो गई. फिर उसके बाद में कारा बगाज गोल. ओके, इट्स अ शैलो इनंडेटेड डिप्रेशन इन द तुर्कमेनिस्तान, इट फॉर्म्स अ लगून. ठीक है, एरल सी हमने देखा, एरल सी सिर्फ दो ही एंडोरेइक लेक है, तो कजाकिस्तान एंड उज़बेकिस्तान. इवन कैस्पियन सी जो है ये भी क्या है, एंडोरेइक है. एंडोरेइक के बारे में मैंने आपको बताया था, एंडोरेइक मतलब क्या, कि जिसका पूरा का पूरा आउटपुट जो है, मतलब वाटर का आउटपुट जो है वो कहाँ जाने वाला है आपका, तो वो अगर किसी सी से नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग इंडोरेइक बेसिन बोलते हैं. ओके, सो दैट इज अबाउट इट. नेक्स्ट जो है, बाकी आपको एशगाबाद एग्रीमेंट और तापी पाइपलाइन वगैरह तो पता ही होगा, बट इसमें से एक जो आपको और एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है लापिस लाजुली, लापिस लाजुली कॉरिडोर. सो व्हाट इज इट? इट्स एन इंटरनेशनल ट्रांजिट रूट, ओके, लिंकिंग अफगानिस्तान टू टर्की वाया तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड जॉर्जिया. सो दिस लापिस लाजुली कॉरिडोर, याद रखना. ओके, एरल सी ऑलरेडी हो चुका है अपना, इसके लिए हम लोग नहीं जा रहे इसके बाद. स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला थोड़ा सा ऑलमोस्ट अपना लास्ट ही अभी बचा हुआ है. तो व्हाट इज दिस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला? तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज को बोला जाता है. कौन कौन सी है? नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया. ओके, एंड नॉर्वे, स्वीडन एंड कहाँ गया, एंड डेनमार्क. ठीक है, तो डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन तीन कंट्रीज को ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है. बाकी बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन है? तो बाल्टिक सी के आजू बाजू में जो जो है, मतलब कौन कौन? एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुनिया. तो ये कंट्रीज को हम लोग बाल्टिक बोलते हैं. बाकी नॉर्डिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें डेनमार्क, नॉर्वे, यस, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड एंड फेरो आइलैंड. तो इन सबको हम लोग जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं. तो स्कैंडिनेवियन अलग है, नॉर्डिक अलग है एंड बाल्टिक अलग है. ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात जो है इस पे ऑलरेडी करी हुई है. ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. बाकी सिर्फ अगर पूछ लिया कि बाल्टिक सी जो है उसके आजू बाजू में कौन कौन से कंट्रीज है, तो जस्ट रिमेम्बर दिस, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड. तो रूट जर्मनी मतलब क्या? तो आर फॉर रशिया. तो रशिया कैसे मिलता है? रशिया की ये वाली टेरिटरी जो है ये आपकी बाल्टिक सी में आती है. फिर लिथुनिया, लथविया, एस्टोनिया ऑब्वियसली आने ही वाला है. फिनलैंड है आपका, स्वीडन है. ओके, तो और लास्टली जो है वो इधर से मतलब डेनमार्क के कुछ आइलैंड वगैरह होंगे, तो डेनमार्क एंड इधर से पोलैंड. ठीक है, और जर्मनी को भी एक छोटा सा बाल्टिक सी में एंट्री जो है वो मिल जाता है. तो इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कंट्रीज जो है वो आपके इसके मेंबर्स हैं. ठीक है, सी ऑफ मरमरा टर्की से सराउंडेड है क्या? हाँ, ये सी ऑफ मरमरा है, उस तरफ में टर्की ही आता है. एंड इस पे अगर आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो. आई थिंक क्या नाम था उसका,
कॉन्स्टेंटिनोपल या ऐसे कुछ नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, तुम लोग पक्का से देख सकते हो, काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। एनीवेज, सो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई सपोज हेल्पफुल रहा होगा। बाकी यस, वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक करना। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो फिर। और प्लीज़ अगर कोई डाउट्स वगैरह है, अभी के अभी आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो मुझे, मैं आप लोगों के आंसर्स जो है वो अब भी दे दूंगा यहाँ पे। बाकी आज एक इंस्टाग्राम पे यूपीएससी गाइड नाम का चैनल है, तो वहाँ पे मैं लाइव थोड़ा सा कैसे करंट अफेयर्स को और स्टैटिक पार्ट को लिंक करके पढ़ना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पहला ही सेशन लिया था, तो उस पे वो मैं लेने वाला हूँ। तो आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है वापस से रिवाइज करने के लिए, तो देख लेना। बाकी आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी डाउट हो बिंदास लिख देना, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप सब लोग जो है वो स्ट्रिक्ट क्वारंटीन को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं 4 दिन हो गए घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। नो डियर, फिनलैंड एंड आइसलैंड आर नॉट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ओके, दे आर नॉर्डिक कंट्रीज। गायत्री, तो सम्राट हेफा जो है, तो हेफा हायर एजुकेशन फंड अथॉरिटी, तो बेसिकली इट्स एन एनबीएफसी। ये अलग अलग जगह से फंड जो है वो कलेक्ट करने वाला है, और वो कलेक्ट करने के बाद में उसको डिसबर्स करेगा। तो कैनरा बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोनों ने भी मिलके ये फंड जो है वो बनाया हुआ है, और उसको बनाने के बाद में ये सिर्फ हायर इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल रैंकिंग में और अच्छा आने के लिए तुमको पैसा दे तो लोन दिया जाएगा बेसिकली। तो इसमें पहले आप पैसा लेके आओगे, फंड जो है जमा करोगे, तो वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, अलग अलग तरीके हो गया, तो उससे वो फंड बनेगा। एंड बाद में फिर ये फंडिंग एजेंसी जो है अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो फंडिंग करेगी। आई सपोज अभी समझ गया होगा। यस सम्राट, यस। तो आई वॉज टेलिंग कि आप लोग प्लीज़ घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, पढ़ाई जो है वो चली रही अपनी। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा, हो सके तो इस हफ्ते में हम लोग 3 लेक्चर ले लेंगे, ताकि जो एक दो पीछे जो अपने मिस हो गए तो वो भी कवर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।